ओके इज़ मालिक गुड इवनिंग मालिक होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड एंड यू आर स्टेइंग सेफ स्टेइंग एट होम एंड जो अपनी एग्जामिनेशन दे रहे हैं नवंबर ट्वेंटी ओकेज ऑनवर्ड्स ओकेज आप अपनी अपने एंड पे अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे ओकेज योर ग्रुप टू मे बी टू प्रिपरेशन Uh, बहुत सारी चीजें होंगी कि एग्जामिनेशन कैसे होंगे क्या होंगे अभी ये कोविड वोविड का सिनारियो है इट आगे जाएंगे नहीं जाएंगे ओके okay, इसके ऊपर अपन ज्यादा डिस्कशन अभी नहीं करते बिकॉज सी ओके आर मल्टीपल एनवायरमेंटल फैक्टर्स सो इन दैट केस और इन दैट सिनारियो हाउ द थिंग्स विल वर्क आउट इज अ बिग चैलेंज टू अंडरस्टैंड सो अगर अपन आज से ही एज्यूम करें कि भाई यार एग्जामिनेशन होने वाली है नहीं होने वाली है इसी का डिस्कशन करें तो अपन कुछ काम नहीं कर पाएंगे तो इसीलिए एक्चुअली एंड बेसिकली मतलब ये दोनों कॉन्सेप्ट अपन एकदम स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं और अपन एक चीज समझ लेते हैं कि भाई अपने को अपनी काम अपना काम करना है रेगुलर वर्क करना है ओकेज अपनी पढ़ाई करनी है रेगुलर पढ़ाई करनी है एंड अकॉर्डिंगली ओके एग्जामिनेशंस आने के बाद ओके वी विल बी प्रिपेयर और अगर एग्जामिनेशन डिले हुआ कुछ कारण कोविड का जैसे इंपैक्ट रहा वट इट मे बी ओके जो जिसके ऊपर अपन अभी दिस वीडियो इज नथिंग टू डू विद दैट कोविड एंड अदर इम्पैक्ट बट आई एम जस्ट टेलिंग इट आउट ओके जो जो भी रहा तो यूल बी गेटिंग एन एडिशनल टाइम ओके okay, और एक चीज मैं बहुत खास बताना चाहता हूँ एंड दिस इज फॉर ग्रुप टू स्टूडेंट हुर स्टार्टेड देयर स्टडीज फॉर सी इंटर ग्रुप टू सी इंटर ग्रुप टू के लिए जिन्होंने अभी ऑल टुगेदर क्योंकि उनका सी इंटर ग्रुप वन पढ़ के हो चुका होगा ऑल टुगेदर देर अटैम्प इज इन नवंबर ट्वेंटी एंड दे आर स्टार्टेड विथ सी इंटर ग्रुप टू देखिए वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू इज बेसिकली सिटिंग फॉर ए वर्चुअल लेक्चर थोड़े टाइम पहले ऐसा हो सकता था देर आर फ्यू था उनके चारों के चारों सब्जेक्ट्स ग्रुप टू के जो चारों पेपर है एडवांस अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड ये सारे पेपर वो लोग क्या करते थे वो लोग ऑल टूगेदर सारे के सारे वर्चुअल मोड में जाते थे बट देर वर ओनली फ्यू स्टूडेंट्स वर्चुअल मोड मतलब पेन ड्राइव ले लो या याट एवर मोड इट इज ओके पर लेकिन उसमें से कुछ जन ऐसे भी होते थे जो क्लासरूम अटेंड करते थे इन वर्चुअल मोड राइट right नाउ ऐसी अपनी परिस्थिति आ गई है जहां पर अपन क्लासरूम टीचिंग तो पॉसिबल नहीं है ये आप खुद जानते हो अच्छे से एंड इवन अगर वर्चुअली आप क्लास में अटेंड करना चाहते हो नहीं बिग चैलेंज ये पॉसिबल होगा इसीलिए हैव कम टू द स्मॉल स्क्रीन एंड इट इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इज बेसिकली वेयर द थिंग्स such अब ये पता नहीं है कोविड कितना चलेगा यू में गो इन टू मल्टीपल फैक्टर्स पास्ट एक्सपीरियंस देखिए स्पैनिक फ्लू का आप उदाहरण उठा लो 1918 का कॉन्सेप्ट उठा लो दो साल गए तीन साल गए वॉट एवर इट में भी आई एम नॉट डिस्कसिंग इन टू इट लेकिन डेफिनेटली कुछ टाइम तो लेगा जब तक वैक्सीनेशन नहीं आएगा वी आर आज के डेट में वेरी एडवांस कंपेयर टू वॉट वी वर देर इन हंड्रेड इस बैक सो so डेफिनेटली अपने वैक्सीनेशन अदर थिंग्स वी हैव मतलब अपने पास उतना रिसर्च कॉन्सेप्ट है उतने डेवलप्ड कॉन्सेप्ट है तो डेफिनेटली जब तक वैक्सीनेशन नहीं आता तब तक आप कोई भी तरह का रिस्क मत उठाइए कोई भी तरह के क्लासरूम टीचिंग एंड अदर थिंग्स या कहीं पर भी जहां पर गर्दी हो वहां पर मत जाइए भले ही आपका एरिया ग्रीन हो रेड और कंटेनमेंट जोन तो वैसे ही है ग्रीन और ऑरेंज जोन वट इट मे बी बट मेक श्योर यू आर टेकिंग ए प्रिकॉशन काय के लिए अपनी लाइफ को या कोई भी पॉइंट को रिस्क में डालने का

you are an expert undoubtedly you are an expert okay please do understand this point very clearly you are an expert but expert in which area that is what you need to identify very clearly you should be having a that clear-cut judgment and make it sure as per our norms and we what we follow as per ICI and being an accounting body an auditing body we are definitely an expert into two areas majorly one is accounting and accounting to hona hi hai ye to aapko clear cut rehna hai and second area is auditing ये दो area में हम लोग तोड़ experts hai okay बाकी area में you are not an expert वेरी वेरी क्लियर कट पॉइंट प्लीज मेक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट टू एट योर एंड यू आर नॉट ए लीगल एक्सपर्ट नॉट यूर ए टैक्सेशन एक्सपर्ट आप डायरेक्ट बहुत बड़ा सिलेबस पढ़ रहे होंगे इन टैक्स जीएसटी बहुत सारा सिलेबस पढ़ रहे होंगे लेकिन आप ये लेवल के एक्सपर्ट नहीं है इनके लिए एक्सपर्टाइज करने के लिए बहुत कोर कंटेंट जाना पड़ेगा लेकिन ओके फॉर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यू आर एन एक्सपर्ट

ओके okay, लेकिन अगर कोई टैक्सेशन का पॉइंट आया अंडरस्टैंड दिस पॉइंट क्लियरली ओके अगर कुछ क्लाइंट के इश्यूज आए एग्जांपल टैक्सेशन इश्यूज विद मल्टीपल एस्पेक्ट्स वहां पर अगर आपको कोई टैक्स एक्सपर्ट का एडवाइस लेना पड़ा ओके यू मे टेक एन टैक्स एक्सपर्ट एडवाइस वैल्यूएशन के एक्सपर्ट के एडवाइस लीगल एक्सपर्ट के एडवाइस यू आर नॉट यू आर हैविंग दैट सिलेबस बट यू आर नॉट द एक्सपर्ट

Okay, अब इसके दो तीन एस्पेक्ट और भी आते हैं okay, पहले तो ये दिमाग में कर, कर लीजिए क्लियर <coughs> और बिफोर गोइंग और दो तीन चीजें मैं आपको बता ओकेज okay, वर्ड मेरे से बार बार आता है यार मैं बहुत कोशिश करता हूं कि ओकेज वर्ड ये बार बार रिपीट नहीं करूं लेकिन ये ऑटोमेटिकली अपने सिस्टम में इनबिल्ट है तो ऐसा हो सकता है कि एक लेक्चर देखते वक्त आप मल्टीपल टाइम्स ओके सुने ओकेज 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 कोई एक हाथ जो एक हाथ स्टूडेंट हो सकता है जिसको ये लगे कि uh, यार व्हाट व्हाट सर इज डिस्कसिंग ओकेज 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 बट इट ऑटोमेटिकली आता थिंग्स इवन इन क्लास मेरा ये पॉइंट ओकेज बहुत बार आ जाता था तो एक ये पॉइंट है कि ओकेज ये वर्ड आ जाता है द सेकेंड सिनारियो इज बेसिकली आई मे यूज द वर्ड विच इज सम्स थोड़ा सा स्लैंग स्लैंग मतलब विच मे नॉट बी प्रोफेशनल बट इट इज नॉट एब्यूसिव मेक क्लियर आई एम नॉट इन टू एब्यूसिव वर्ड्स मैं वर्ड्स कहीं पर भी यूज नहीं कर रहा हूं मैं स्लैंग लैंग्वेज यूज कर रहा हूं स्लैंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि भाई आई मे यूज सर्टेन वर्ड्स विच मे बी थोड़ा सा ओके आउट ऑफ द प्रोफेशनल प्रोफेशनल वे एग्जांपल ओके मेरे कुछ वर्ड्स है तोड़ माँ कसम झंपे ढंपे ओके okay, समझ में आ रहा क्या मालिक ओके okay, ये ये सब वर्ड यूज करता बट कहीं पर भी नहीं है मालिक तो दिमाग में ये रखिए मालिक मतलब ऑल टुगेदर मैं स्टूडेंट्स को मालिक बोलता हूं हमेशा ओके okay, और ये कहीं पर भी ऐसा भी नहीं है कि स्टूडेंट uh, को मालिक बोलना पॉइंट ये है ओके okay, तो जब भी मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं और मैं बोलूँ मालिक समझ में आया क्या तो इसका मतलब तुम कहीं पर देखो मालिक कौन है भाई मालिक कौन है साई बाबा मालिक है गणपति बापा मालिक है शंकर भगवान मालिक है नहीं रे भाई मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मालिक मालिक ऐसा हो सकता है बिकॉज आई एम स्टेइंग इन मुंबई आई आई फ्रीक्वेंटली टुक द लेक्चर्स इन हैदराबाद इट मे हैपन दैट माई लैंग्वेज हैव थोड़ा सा टू काइंड ऑफ थिंग ओके तेरे को समझाना तेरे को समझाना ऐसा इसमें ऐसा हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ऐसा लगे सर आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो यार हम तो हम हम आपसे ऐसे बात नहीं करते हम आपको आप बोलते हैं ऐसा होता होता है इट्स ओके okay. मतलब आई एम नॉट डिबेटिंग ऑन दैट ये इस पर मैं बात नहीं करूंगा आप बहुत आ, अदब वाले इंसान हो बहुत सही सभ्य तरह से बात करते हो लेकिन मेरे थ्रा थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है और लैंग्वेज प्रॉब्लम मतलब मेरे को थोड़ा सा बात करते वक्त ऐसा हो जाता है कि मैं स्टूडेंट्स को या कुछ ऐसा पॉइंट है लेकिन इसका कहीं पर भी ये मतलब नहीं होता कि मैं इज्जत नहीं देता या कुछ नहीं देता अरे भाई मैं हर जन को इज्जत देता हूँ हर जन को ओके okay, स्टूडेंट भी रहा या कोई भी पर्सन रहा ओके मेरी फिलोसॉफी एकदम क्लियर रहती है हमेशा एंड दैट फिलोसफी इज एवरी पर्सन इज करेक्ट तो आई डोंट डिबेट एवर तो मैं कहीं पर भी है तो आपको मैं स्टार्टिंग में इसलिए बता के रख रहा हूं क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है कि आपको कुछ चीजें पॉइंट पे मेरे डिस्कशन में आता है और मैं तू ता बोल देता हूं या ऐसा कुछ ऊपर नीचे बोल देता हूं तो ऐसा बुरा मत मान के लेना मालिक ओके okay, मैं अपनी बेटी के साथ बात करूंगा या मैं अपने बेटे के साथ बात करूंगा तो वैसे ही बात करूंगा तो मैं जैसे अपने बेटी या बेटी के साथ बात कर रहा हूं वैसे ही मैं तुमसे बात कर रहा हूं मालिक आई एम नॉट डिस्कसिंग इन सम अदर वे और समथिंग लाइक दैट मतलब मैं आपसे कुछ ऐसे बात करूंगा या अपने बेटी बेटी से अलग तरह से बात करूंगा ऐसा कहीं पर भी नहीं है तो पहले ये दिमाग में क्लियर लग लग, लग, लग तो कहीं पर भी मेरे वर्डिंग्स का या कहीं पर भी ऐसा बुरा मत मानना हाँ अगर मैं गाली दूँ तो तुम मेरे को गाली देने का हक रखते हो लेकिन मैं कहीं पर भी अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ ना मालिक एंड uh, रही बात आप बोलोगे सर यू आर सी एंड अदर थिंग्स सो बी प्रोफेशनल इट्स ओके ओके प्रोफेशनल प्रोफेशनल डज नॉट कम्स विथ ओनली दिस एलिमेंट्स आर लैंग्वेज या ड्रेसिंग सेंस दीज आर मट्टीपल एस्पेक्ट्स देर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स टू बी बींग ए प्रोफेशनल हर जन के अपने डेफिनेशन है तो रैदर देन नॉट गोइंग इन दैट डेफिनेशन बस मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि मेरा थोड़ा सा ऐसा फॉर्मेट है मालिक ओकेज तो कमिंग बैक ऑन द टॉपिक ओकेज वेन आई एम डिस्कसिंग एज ए चार्ट अकाउंटेंट यू विली इन ई एक्सपर्टाइज इन टू एरिया वन इज अकाउंटिंग एंड वन इज ऑडिटिंग अकाउंटिंग आपका बेस ऑलरेडी सी ए फाउंडेशन चालू हो गया है और CA Foundation से आप में 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 आ चुके हैं आपने group 1 में भी accounts group 2 में भी पढ़ा पढ़ा बिगेस्ट चैलेंज ओके विच यू कम्स इन टू पिक्चर इज बेसिकली ग्रुप टू ऑडिटिंग बिकॉज यू स्टार्टिंग ऑडिट सिलेबस फर्स्ट टाइम इन सीए इंटर ग्रुप टू तो मेक श्योर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट को तोड़ बनाओ कॉन्सेप्ट बहुत भारी रखो बिकॉज ऑडिटिंग सिलेबस इज हंड्रेड मार्क्स पेपर आई डू थिंक आर ऑलरेडी अवर इट, हंड्रेड मार्क्स का पेपर है ऑडिटिंग पेपर एंड इन हंड्रेड मार्क्स यू बी गेटिंग थर्टी मार्क्स फॉर एमसीक्यू एंड सेवेंटी मार्क्स अ थियोरटिकल पेपर एंड ये एमसीक्यू लो या थियोरटिकल लो ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते अप्रोक्सीमेटली थर्टी थर्टी मार्क्स ऑड क्वेश्चन जो होता है थियोरी का थियोरी का थर्टी मार्क्स ऑड क्वेश्चन सेवेंटी में से थर्टी मार्क्स ऑड क्वेश्चन अगर आप पास्ट पांच अटेम्प के देखते हो चार अटेम्प के देखते हो

ओके बेसिक क्वेश्चन जो आता है वो अप्रोक्सिमेटली थर्टी मार्क्स के आते हैं जहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर है जो इजी है इजीली सॉल्व हो जाते हैं फोर्टी मार्क्स का थियोरिटिकल क्वेश्चन है, है जहां पर आपको अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगाना पड़ता है एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक लगाना पड़ता है एप्लीकेशन ऑफ कंटेंट लगाना पड़ता है एंड दैट इज वेयर अर कॉन्सेप्ट थर्टी मार्क्स का एमसीक्यू थर्टी मार्क्स का एमसीक्यू में से भी दर इज सर्टन पोर्शन विच इज वेरी इजी वेरी डैम इजी डायरेक्टली क्लिक क्लिक हो जाता है डायरेक्ट डायरेक्ट एमसीक्यू में डायरेक्ट विजिबल आंसर है लेकिन मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन एंड आएम टेलिंग यू वट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वॉट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन एमसीक्यू लुकआउट जो अपन देखते हैं एमसीक्यू का पॉइंट और एमसीक्यू को अंडरस्टैंडिंग करते हैं बिगेस्ट प्रॉब्लम इस बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो एमसीक्यू में चार ऑप्शन है ना आउट ऑफ द फोर विच इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट मतलब ऑल फोर आर सुटेबल ऑल फोर आर सुटेबल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ऑल फोर आर सुटेबल चारों के चारों तोड़ है भाई चारों के चारों सुटेबल है इस आंसर में यहां यहा के क्वेश्चन का चारों के चारों आंसर सही है लेकिन इन चारों में से बेस्ट क्या है चारों में से ऐसा कोई भी नहीं है कि डायरेक्टली कोई भी नेगेटिव बोल सकता है लेकिन चारों में से कौन सा बेस्ट है मोस्ट या कौन सा लीस्ट है ऐसे तरह के भी क्वेश्चन है तो इसका मतलब क्या लगता मालिक इसका मतलब पूरी तरह लॉजिकल आपका जजमेंट लगता योर जजमेंट योर एप्लीकेशन ऑफ जजमेंट कम्स इन टू पिक्चर और जजमेंट लगाना खाली थ्योरी पढ़ के ओके okay, कॉन्सेप्टचुअली नहीं होता मालिक थियरी पढ़ के ही हो जाता आई विल टेल यू मतलब ऐसे ही अप्रॉक्सिमेटली एक चार पांच लेक्चर होने के बाद आपको समझ में आएगा यार यहाँ क्या लेवल का कॉन्सेप्ट होता है और ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट होता है इट इज नॉट ओनली डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर टू बी रिमेंबर्ड दिस इज वेयर डिफरेंस कॉन्सेप्ट कम्स इन टू पिक्चर विद रिस्पेक्ट टू ऑडिटिंग पेपर एंड दिस पेपर रिक्वायर अटमोस्ट केयर वाइल एंसरिंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन most least apply your judgment and this judgment will not be a layman judgment this will be an as an auditor judgment who should be an experienced person to jab yaha par apan padhte hai we should understand actually kaise audit hota hoga kaisa actually environment mein audit hota hoga कैसे scenario में काम करते होंगे क्या करते होंगे और ये सारा concept अपने को झेप जाना चाहिए मालिक ओके okay, तो ये बेसिकली मैं आपको समझा दूं कि आउट ऑफ दिस ऑल लेक्चर्स अपने को अप्रोक्सीमेटली लगने चाहिए ऑडिट के लिए 75 टू आवर्स लगने चाहिए एक uh, मतलब टेन परसेंट प्लस माइनस आप पकड़ के रख रही लेकिन 75 फाइव टू आवर्स अप्रोक्सीमेटली ऑडिट में लगने चाहिए उससे ज्यादा नहीं लगते तो मेरे हिसाब से मेरे लेक्चर्स जो रहेंगे वो अप्रोक्सीमेटली टू टू आवर्स के रहेंगे फो फोर्टी ऑड लेक्चर्स में अपना काम हो जाना चाहिए ओके फोर्टी ऑड लेक्चर्स में अपने ओके ऑडिट पोर्शन खत्म हो जाना चाहिए जहाँ पर अपना सारा कंटेंट हो जाता है सर अपने लेक्चर होने के बाद अपने कुछ और एडिशनल करना चाहिए देखिए, ओके okay, आप एडिशनल आप कर सकते हो जो है आरटीपीस कर सकते हो

देखिए जब तक लॉकडाउन है ओकेज ऑल टुगेदर अगर कुछ जगह स्टेट में खुला भी है लॉकडाउन नहीं है वहां पर वहां पर कोरियर सर्विस चालू भी है लेकिन हम अभी ये पॉइंट है कि टेक्स बुक आई नॉट बी डिलीवरिंग राइट नाउ अप्रोसिमेटली थोड़ा सा कोविड का सिचुएशन बेटर हो जाए तब ये फिजिकल डिलीवरी ऑफ टेक्स बुक चालू करेंगे तो राइट right नाउ आपको टेक्स बुक जो मिलेगी वो सॉफ्ट कॉपी मिलेगी पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगी टेक्स्ट बुक है क्या एक्चुअली टेस्ट बुक इज नथिंग बट और एक चीज क्लियर याद रखिए ओके okay, मेरी क्या ओके okay, सबकी टेक्स बुक ऐसी ही होनी चाहिए और सबकी बुक ऐसी ही रहेगी ओके इट इज मॉड्यूल बेस्ड ओनली मॉड्यूल लिया मॉड्यूल को एडिट किया कंटेंट अपने हिसाब से मॉडिफाई किए जो चीजें जिधर जिधर चाहिए अलाइन किया स्ट्रक्चर किया देखिए आप अगर मॉड्यूल के बाहर गए ना तो आप वैसे भी वल्नरेबल हो मालिक

अपना पूरा लेक्चर हो गया हर रोज लेक्चर आप करोगे लेक्चर जैसे जैसे खत्म होते जाएगा यूजअली एग्जाम्पल मैं क्लास में भी टेक्स्ट बुक के थ्रू कराते रहूंगा एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ अपनी टेक्स्ट बुक कुछ इस तरह से रहेगी ये टेक्स्ट बुक है ओके एग्जाम्पल चैप्टर वन है चैप्टर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है तो ये चैप्टर वन है वो आई एम डिस्कसिंग इन द क्लास ओके जैसे ही मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं टेक्स्ट बुक के थ्रू नहीं जाता कभी भी ना मैं या ना एसएम में जाता ना मैं इसमें जाऊंगा ऑडिट में आई नेवर गो थ्रू टेस्ट बुक हाँ टेक्स बुक के केवर्ड अपन उठाते हैं तो मैं पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं अपना पॉइंट समझाता समझा अपना लॉजिक समझाता हूं okay, तो आपको करना कैसे उसका लॉजिक समझाता हूं और वो सब होने के बाद फिर मैं आपको टेक्स बुक से ओके okay, जहां जहां पर मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट कंटेंट है मैं बुक से गो थ्रू कर लेता हूं और मैं आपको बता दूंगा हाँ भाई ये ये देखिए ये पॉइंट यहाँ पर है और इवन टेक्स बुक में भी जब आप कुछ करोगे तो ऑल टुगेदर सॉफ्ट कॉपी है आप अपने एंड पे प्रिंट आउट निकाल सकते हो ओके प्रिंट आउट निकाल लोगे और कलर प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं है ये ठीक है कलर है वो स्क्रीन पे दिख रहा है तो थोड़ा सा कलर वलर के लिए ब्लैक एंड व्हाइट निकल निकलिए बस हो गया रे भाई कंटेंट पूरा की वर्ड आने चाहिए भाई आपने प्रिंट आउट निकालना चाहिए और उसको हाईलाइट करना चाहिए लेकिन ये ड्यूरिंग द लेक्चर मत करिए ड्यूरिंग द लेक्चर ओके अगर आप करते हो तो इट्स ओके वेन आई एम टीचिंग फ्रॉम ए टेक्स बुक तो यू कैन गो थ्रू इट एज बुक बट वेन आई एम टीचिंग एन ऑडिट ओके मतलब मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ये सब कुछ समझा रहा हूँ ओके okay, मैं टेस्ट बुक में नहीं हूं उस टाइम पे आप टेस्ट बुक के पोर्शन को छोड़िए तब आप टेस्ट बुक को नहीं देखना चाहिए टेस्टबुक के इसमें रहना नहीं चाहिए दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड तो ये ऐसे आपको हर चैप्टर्स मिल जाएंगे टोटल थर्टीन चैप्टर्स अपने ऑडिट के पेपर में तो थर्टीन चैप्टर्स के आपको टेक्स्ट बुक के सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी एंड वंस पूरा ऑलमोस्ट सब्जेक्ट जगह कुरियर सर्विस खुल जाएगी उसके बाद आपको हार्ड कॉपी ऑफ बुक पहुंच जाएगी ओके okay, तो यहां पर अपन बेसिकली बात कर सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू योर टेक्स बुक एंड अदर थिंग्स कैसा होगा तो सर आपको एडिशनली क्या करना है एडिशनली यही है जो या फॉर्मेट में है एस एम में फॉर्मेट में है आपको एडिशनली बस आफ्टर द लेक्चर ये टेक्स बुक को रीड मारना है दैट्स इट इवन इसमेंटी ऑफ कंटेंट मेरा क्लास में रीड हो जाएगा क्लास में ही मैं रीड कर लूंगा क्या क्या है क्या नहीं है और वो जब मैं क्लास में रीड करूंगा तब आप उसका प्रिंट आउट निकाला होगा या सॉफ्ट कॉपी होगा वॉट एवर इट में भी आप उसको सॉफ्ट कॉपी रहेगा तो किसी दूसरे लैपटॉप या कंप्यूटर में निकाल के देखना पड़ेगा आपको या मोबाइल में देखना पड़ेगा आपको बस वो गो थ्रू करना है दैट्स इट आप वो टाइम पे कहते हो अगर आपने प्रिंट आउट निकाल ली होगी तो उसको हाईलाइट इमीडिएटली हाईलाइट करते जाना और आपको कुछ रखना मतलब उसको हाईलाइट रखना या की पॉइंट कुछ लिखना है तो लिख लेना अदर देन दैट व्हाट माई डिस्कशन ओके बेसिकली वेन एवर वी आर डिस्कसिंग एनी थिंग ओके मेक श्योर यू अंडरस्टैंड थ्री फॉर्मेट्स तीन चीजें आप दिमाग में रखिए सबसे पहली चीज आप दिमाग में रखिए ओके okay, और मैं एकदम क्लियर कट बोल रहा हूं आप, आप देखिए कंटेंट को समझिए 80 घंटे में 100 मार्क्स पेपर और मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूं आपको कंफर्ट जोन देता हूँ एंड इवन यू कैन चेक द लेक्चर ऑल्सो माई लेक्चर आल्सो, एंड आई एम नॉट डिस्कसिंग ओनली ऑफ दिस लेक्चर, आई एम डिस्कसिंग सीए लेक्चर आल्सो, सी फाइनल ऑडिट के लेक्चर ऑल्सो ओके okay, मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूं कि पूरा अस्सी घंटे का सिलेबस खत्म होने के बाद पूरा ऑडिट सिलेबस पूरा ऑडिट सिलेबस ओके वी विल रिवाइज इन अप्रोक्सीमेटली टोटल नंबर ऑफ आवर्स दो से ढाई घंटे के बीच में टू एंड हाफ आवर्स मैक्स टू मैक्स गया तो तीन घंटे इसके ऊपर नहीं लगेगा यानी एक बार पूरा ऑडिट खत्म हो गया फास्ट रिविजन ऑलरेडी माई स्टूडेंट आर अवेयर अबाउट मी ऑलरेडी अवेयर फास्ट रिविजन तीन घंटे में सीए फाइनल का सिलेबस भी ऑडिट का पूरा तीन घंटे में रिवाइज रहे भाई ओके okay, तो so जैसे 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 कंटेंट खत्म होते जाएगा वी विल डू दैट रिवीजन एंड लास्ट में मैं एक साथ में पूरा रिवीजन कर दूंगा ओके okay, जिसको क्लब कर दूंगा और वो यूट्यूब पे डाल दूंगा तो इसका मतलब अपना पूरा लेक्चर होने के बाद सारा पूरा व्यू होने के बाद पूरा कंटेंट दिखने के बाद आपको क्या समझना है आपको सारा चीज एक ही समझना है ओके okay, आपको वापस रिविजन लेक्चर देखना है रिविजन लेक्चर देखने के बाद जहां पर कंटेंट है वो रीड मारना है फटाफट रीड मारना है और उसके बाद काम खत्म करना है माई अंडरस्टैंडिंग और वॉट माई अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस सब्जेक्ट शुड बी लाइक दिस एंड आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड इनपुट एंड आउटपुट रेशियो एवर्स हंड्रेड मार्क्स का सिलेबस एंड आफ्टर दैट ओके माई अवर डिस्कशन आता है सर वॉट अबाउट एग्जामेशन वॉट अबाउट मार्क्स चालीस मार्क्स ला पाएंगे क्या अरे भाई मैं चालीस की बात नहीं कर रहा हूं अगर तू ये फॉर्मेट सही तरह से फॉलो करता मार्क्स कसम बोल रहा हूं मार्क्स कसम बोल रहा हूँ okay, तेरे को तोड़ 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 60 के रेंज तक लेके आएगा भाई ओके okay, बस तू ये फॉलो कर और उसमें जो लिखने की प्रैक्टिस लास्ट लास्ट में मैं बताऊंगा एक बार होगा लेक्चर उसके हंड्रेड एंड वन परसेंट बोल रहा हूं देर इज नो रेस्ट्रिक्शन टू स्कोर इन दैट ऑडिट सिलेबस वन ऑफ द बेस्ट मतलब वन ऑफ द बेस्ट मैकेजम इसमें मैं क्यों बोल रहा हूं बिकॉज इवन आई आई मीन टू टीचिंग ऑफ ई एस एस एम एंड एस एस एम ऑल्सो एंड ऑडिट ऑल्सो ई एस एस एम वन फिफ्टी आवर्स and same logic of 60 marks 80 hours 60 marks by अब यहां पर बहुत सारे जन का डिस्कशन ये भी आएगा सर इट हैपेंस विद अस आल्सो मतलब बहुत बहुत सारा यार सर थियोरिटिकल सिलेबस है और थियोरिटिकल में थ्योरी लिखने में आसान नहीं होता ये नहीं होता अरे भाई कॉन्सेप्ट समझा तो सारी चीजों की थियोरी आसानी से लिख सकता है और वापस मैं बोल रहा हूं वी नीड टू स्टिक विद ए मॉड्यूल तुम मॉड्यूल के साथ स्टिक रहे सजेस्टेड आंसर से मैच रहेगा आराम से सब लिखेगा थियोरी ऑल ऑल टुगेदर मैं नहीं बोल रहा हूं कि तू की कीवर्ड्स ए बी सी डी पूरा लाइन याद रख अरे इट इज इंपॉसिबल मेरे को पता कौन पूरा लाइन पूरा पूरा मॉड्यूल याद रख पाएगा अरे इट इज इम्पॉसिबल तो सर व्हाट वी नीड टू डू एक्टली वर्ड वी फॉलो कीजिए मार्क कसम बोल रहा हूं साला लास्ट में तोड़ अपना बॉस ए बॉस लेस नंबर ऑफ आवर्स में okay, कांसेप्ट रह जाता भाई और रिवाइज करने को भी देखना यार अगर तू दोनों ग्रुप दे रहा है तो मेरे को एक चीज बता ओके इफ यू इमेजिन इफ यू आर गिविंग बोथ द ग्रुप ओके जस्ट डिस्कस दिस पॉइंट विथ मी ओके, हाउ कैन यू कंक्लूड दिस पॉइंट यार मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार आटो के आटो पेपर करना टो आटो पेपर को रिवाइज करना अगर खाली ग्रुप टू भी दे रहा है तो एफ एम को इतना बड़ा सिलेबस है यार प्रैक्टिकल है ओके okay, अकाउंटिंग है सिलेबस बड़ा ई एस एस भी बड़ा है लेकिन अगर तू देखेगा थ्योरी कॉन्साइज हो सकती है एंड सेम लॉजिक हैपेंस विथ ऑडिट तुम जितना उसको कॉन्साइज कर लोगे चीजें आसान हो जाएगी मालिक आपके लिए सो हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड मैं थ्री तीन चीजें बता रहा हूं ये तीन चीजें समझिए बिकॉज अपना आज का लेक्चर तो प्योरली कॉन्सेप्ट पूरा ऑडिट बता रहा हूं आपको क्या है कौन से चैप्टर्स है चैप्टर क्या रोल प्ले करेंगे आपको कैसे क्या करना है क्या चैप्टर्स में रहेंगे और कॉन्सेप्ट क्या रहेगा एक्चुअली है क्या ऑडिट पूरा बैकग्राउंड अपना आज क्लियर हो जाएगा फर्स्ट लेक्चर में डे वन में एंड फ्रॉम टुमारो विल बी स्टार्टिंग विद ए चैप्टर तो बिफोर गोइंग ऑन और स्टार्टिंग विद कंटेंट और इंडेक्स ओके लेट मेक इट अंडरस्टैंड दिस थ्री पॉइंट्स फर्स्ट ओके फर्स्ट वेरी क्लियरली वेवर आई एम राइटिंग एनीथिंग ऑन द नोट्स मतलब मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखता होगा मैं हमेशा ये बोलता हूं ओके मेक श्योर यू आर ऑल्सो हैविंग ओके योर नोटबुक विथ यू एनी नोटबुक विथ यू आप नोटबुक लीजिए और नोटबुक में अपने जो नोट्स में बात कर रहा हूं उसके नोट बनाइए यानी दिस इज कॉन्सेप्ट कॉल्ड रनिंग नोट्स यू शुड हैव ए नोटबुक ऑफ रनिंग नोट रनिंग नोट बनाइए सर रनिंग नोट क्यों जरूरी है ओके okay, ऑडिट में यह है सर से मैं वैसे बहुत बार अवॉइड करता हूं मैं लेकिन ऑडिट में रनिंग नोट्स इज मस्ट बट इट इज नॉट पैरल रनिंग नोट्स मैं जब कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं उस टाइम पे आप कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान दीजिए ओके रैदर देन यू शुड फोकस ऑन कॉन्सेप्ट रेदर देन राइटिंग नोट्स बट वेन वी आई एम राइटिंग समथिंग ऑन स्क्रीन वेन आई एम ड्रॉइंग सम डायग्राम इन स्क्रीन ओके डायग्राम ऑन स्क्रीन आई एम राइटिंग सम एक्साम्पल ऑन स्क्रीन यू शुड मेक ए नोट ऑफ इट in audit okay what will happen okay is every time you need to remember keywords and keywords are not so easy because there are layman keywords बहुत बार ऑडिट में ऐसा होगा सर ये कीवर्ड्स याद कैसे रखे सर कीवर्ड्स वर्ड एकदम जेनरिक कीवर्ड्स आते हैं तो जेनरिक कीवर्ड्स को याद रखने के लिए अपने को एग्जांपल याद रखना जरूरी है तो जब भी अपना पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा फिर आप रिवीजन लेक्चर देखोगे बार बार रिवाइज करोगे और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि यार यार यहां पर यह पॉइंट क्या था यह क्या एग्जाम्पल था जिससे अपने को पॉइंट याद रखना है एंड यू मे रिक्वायर्ड दैट रनिंग नोट्स टू बी डन ओके okay. मैं भी एंश्योर करूंगा कि जो जो मैं चीजें लिख रहा हूं मैं नोट्स बना रहा हूं इसका मैं स्क्रीनशॉट लूंगा स्क्रीनशॉट मैं एमएस वर्ड में डालूंगा लेकिन ये कब होगा मैं क्या जब ऑल टुगेदर मेरे पूरे लेक्चर हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे सारे लेक्चर खत्म हो जाएंगे अगर कोई पेनड्राइव पहले ले रहा है अगर कोई पेनड्राइव पूरे लेक्चर खत्म होने के बाद ले रहा है तो हंड्रेड परसेंट वो पेनड्राइव मतलब गूगल ड्राइव उसमें आप ऑलरेडी ये भी अपलोडेड रहेंगे जो जो मैं स्क्रीन पर नोट्स बना रहा हूं ये भी मैं स्क्रीनशॉट निकाल के आपको दूंगा Okay, सारे सारे लेकिन अगर कोई लेक्चर पहले से चालू कर रहा है तो लगेगा डेज लगेगा ना रही मतलब दो महीने का लॉजिक पकड़ के चलो दो महीने तक अगर आप वेट कर रहे हो तो देन इट्स ओके ओकेज अदर देन दैट ओके प्लीज मेक श्योर ये आप रहे आपके पास नोट्स रहे सेकेंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट अपने नो क्लास खत्म हो जाता है उसके बाद आपने टेक्स्ट बुक को एक बार गो थ्रू करना जरूरी है टेक्स्ट बुक का एक बार जितना कंटेंट रोज का हुआ रहेगा उतना टेक्स्ट बुक का गो थ्रू करना जरूरी है आज अगर मैंने चार क्वेश्चन पढ़ाया तो चारों चारों क्वेश्चन मैं वैसे मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है कि मैं टेक्स्ट बुक से गो थ्रू करूंगा नॉट ऑल क्वेश्चन विच आर ट्रिकी द आर देयर मैं उसको फटाफट जाऊंगा हाँ, देखो ये पॉइंट है ये पॉइंट है ये ये पॉइंट पॉइंट है है मैं उसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा हाँ जहां पर टेक्निकलिटी है कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है तो मैं एक एक कंटेंट रीड करूंगा मालिक ये पॉइंट रहेगा लेकिन नॉट ऑल क्वेश्चन तो आपको ये इंश्योर करना है कि जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाता है उसके बाद आपने टारगेट बनाना है कि आपका वो नोटबुक टेक्सबुक पूरा वो कंटेंट जो जितने भी क्वेश्चन हुए रहेंगे वो रीड करके खत्म हो जाना चाहिए ओके दैट डे ओके ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट वेन एवर यू आर इंटरेक्टिंग विद मी राइट नाउ इन लेक्चर्स यू शुड ऑलवेज बी इंटरक्टिव ज बी इंटर मालिक आप पूरे टाइम इंटरक्टिव रहे इंटरक्टिव रहे मतलब क्या अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो आप उसका रिस्पॉन्ड कर रही है अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे ना तो डेफिनेटली अरे आंसर तो मैं देने वाला हूं आंसर तू थोड़ा ना देने वाला है आंसर तो मैं ही देने वाला हूँ लेकिन जब तू रिस्पॉन्ड करेगा तो चीजें तरको समझ में आएगी और चीजें तरको और आसानी से दिमाग में जाएगी तो प्लीज बी इंटरेक्टिव अगर आप ये तीन चीजें प्रोटोकॉल फॉलो करते हो ओके okay, और दो चीज मैं लास्ट डे पे समझाऊंगा लेकिन ऑल टुगेदर अभी भी मैं ब्रीफ में समझा चुका हूं okay, कि अपना लेक्चर खत्म होने के बाद आपने रिवीजन लेक्चर बार बार देखना है जिससे वो कॉन्सेप्ट रट जाए तो रिवीजन लेक्चर बार बार देखना है ओके okay, और एक चीज रहेगी लिखने के लिए ओके सम राइटिंग प्रैक्टिस आई बी टेलिंग यू आई बी गिविंग यू टेस्ट सीरीज एंड टेस्ट सीरीज के लिए आपको वो राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए वो टेस्ट सीरीज पूरी तरह सॉल्व कीजिए आई एश्योर यू ओके आई विल गिविंग एन एश्योरेंस एश्योरस बहुत आराम से कि भाई योर कंफर्ट जोन ओवर दिस सब्जेक्ट विल बी तोड़ ओके okay, ऐसा कहीं पर भी नहीं रहेगा सर ये कुछ ही ये ये पॉइंट याद नहीं आ रहा है ये पॉइंट याद नहीं आ रहा है थियोरी में बहुत बार ऐसा होता है और ये यह गया होगा यानी अगर बाय चांस अगर कुछ पॉइंट आपका प्लस माइनस हुआ है यानी सपोज यू आर नॉट एबल टू रिकॉल बट डेफिनेटली यू कैन राइट द कंटेंट दैट फॉर श्योर आई बेट ऑन दिस आई बेट ऑन दिस मतलब बेट ऑन दिस दैट फॉर श्योर और यही चीज आपके लिए तोड़ रहनी चाहिए मालिक तो मेक इट श्योर ये आप ध्यान में रखिए ओके okay? ये तीन चीजें आप फॉलो करिए अभी एटली एटलीट जब तक अपने लेक्चर नहीं चले जाते 40 45 लेक्चर जब तक खत्म नहीं हो जाते तब तक आप ये तीन चीजें फॉलो करिए रोज के रोज की हैबिट बनाइए सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिए रनिंग नोट्स पे ध्यान रखिए ओके okay? लेके ये पॉइंट है और अगर आपका रनिंग नोट्स अ, मतलब अगर आप लेक्चर बाद में ले रहे हो आफ्टर मतलब टू मंथ जब मेरा ये पूरा हो जाता है और तब आपको ये फाइल भी मिल रही है तो भी मेरे हिसाब से क्या है आप नोट्स बनाइए क्या होगा राइटिंग हैबिट्स रहेगी तो मेक श्योर sure आप जब भी मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूं okay, जब मैं एग्जाम, मैं जब बात कर रहा हूं आपसे तब आप नोट्स में मत रहिए तब आप लिखने में मत रहिए नहीं तो क्या है कॉन्सेप्ट छूट जाएगा मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट है तो आपका माइंड दो जगह काम करेगा और अगर आप, आपका माइंड इतना ही तोड़ है तो फिर ठीक है ऑन दैट डेट से एक हाथ दिन आगे पीछे हुआ तो ओके प्लीज गो थ्रू इट एज बुक एंड हंड्रेड परसेंट मेरे ख्याल से सब लोग ये फॉलो कर रहे होंगे कि भाई संडे ऑफ लेते होंगे हफ्ते का एक दिन ऑफ लेते होंगे और लीजिए ऑफ लीजिए भाई लाइफ है ऑफ लीजिए बिना ऑफ एक हाथ दिन पूरी छुट्टी रखिए कोई टेंशन मत लीजिए साला अरे अगर छुट्टी नहीं रखा तो लाइफ में साला क्या लाइफ का मजा रहेगा और तुम बोलोगे सारा एग्जाम है आपको क्या पता अरे भाई हाँ अपन ने भी एग्जाम दिए है भाई ऐसा नहीं कि आप ही खाली एग्जामिनेशन दे रहे हो भाई ओके सो मेक श्योर यू हैव द टाइम फॉर योर सेल्फ ऑल्सो बट एट द सेम टाइम वेन दैट डे कंटेंट इज डन उसके बाद आप वो कंटेंट का रीडिंग करिए उसी दिन पे और मैं आपको ये बोल रहा हूं कि रीडिंग करने में दो घंटा तीन घंटा नहीं जाएगा एक पंद्रह से बीस मिनट में आपका रीडिंग करके हाईलाइट करके हो जाएगा एक्सेप्ट तीन चार लेक्चर तीन चार लेक्चर ऐसे हो सकते हैं जहां पर रीडिंग कंटेंट अपना बजादा रहेगा

एंड श्योर वर्क एज मेक श्योर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छे से कीजिए क्योंकि ऑडिट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट एंड अनलेस एंटिल बिकॉज ही अनलेस एंड एंटिल योर

तो भाई थियोरिटिकल कंटेंट क्या है थियोरिटिकल कंटेंट तो वही तो है ओके okay, so यही रहना है आपको यही समझना जरूरी है मालिक ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट ऑफ ऑडिट ओके बेसिकली सबसे पहले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट एग्जैक्टली ऑडिट मींस ऑडिट मतलब क्या होता है तो एक छोटा सा दे डेफिनेशन अपन एक चैप्टर वन का निकालते हैं ओके थोड़ा था थियोरिकल डेफिनेशन है ओके चैप्टर वन का रीड मारते हैं अपन ओके छोटा सा दे डेफिनेशन है वो रीड करते हैं कंटेंट को वो रीड करके याद रखने की जरूरत नहीं है डोंट वरी ओके उसको मेरे को एनालिसिस करना है और मेरे को कुछ समझाना है आप प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए आज के लेक्चर को एक्जेक्टली बहुत सारे एलिमेंट से समझिए एक 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 चीज टुकड़ों में समझा रहा हूं मैं एक एक चीज प्लीज आप समझ से जाइए मालिक

इज एन इंडिपेंडेंट एक्सामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इट इज एन इंडिपेंडेंट एक्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या क्या आता इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मतलब क्या होता है यह डिस्कशन पूरा डेफिनेशन होने के बाद एक एक चीज को डिस्कस करते हैं आराम आराम से आराम से okay, आराम से ओके समझिए एक-एक एक-एक चीज़ चीज़ को एना, एक -एक चीज़ को एनालिसिस करेंगे अपन पॉइंट देखेंगे लेकिन घाई मत करना एंड डोंट फ्लेवर आ गया ऑडिट का उसके बाद सातवें आठवें लेक्चर के बाद नौवे लेक्चर के बाद आप खुद बहुत सारी चीजें आप बताते रहोगे डिस्कशन करते रहोगे

तो यहां पर मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूं एनटीटी सबको पता ही है कि एनटीटी दो तरह की होती है एक प्रॉफिट मेकिंग मोटिव और एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग मोटिव ठीक है भाई तो इसको अपन इग्नोर करते हैं अभी के लिए ऑफ एन एनटीटी ठीक है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एनटीटी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी एंड इर रिस्पेक्टिव ऑफ इट साइज ओके okay, यानी हमें साइज के फर्क नहीं पड़ता ऑफ इट साइज ऑफ साइज और लीगल लीगल फॉर्म फॉर्म वो लीगली legal, कैसे हुई है इंश्योरेंस एक्ट में फॉर्म हुई, okay, हुई, हुई है मुझे कुछ लेना देना नहीं है इर रिस्पेक्टिव ऑफ इट फॉर्म और व्यू टू एक्सप्रेसिंग एंड ओपिनियन विथ अ व्यू एंड

of an entity which is either profit making or non profit making and irrespective of its size or its legal form wo kaisi hai kaise bani hai kya hai usse mujhe koi concern nahi okay when such examination yani ye examination jo humne kiya hai iska main maqsad kya hai ya main motive kya hai when such examination is conducted with view to express an opinion there on yani humko opinion express karna hai there on

इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मालिक एग्जामिनेशन ठीक है ऑफ किसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मालिक फाइनेंशियल इन्फो ऑफ किसका एन एन टी टी अब एन टी टी में कोई भी आने दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ओके और उसमें साथ में क्या था ओकेज

ओपिनियन अब यहां तक अपना डेफिनेशन रेडी हो गया मालिक मालिक अपना डेफिनेशन रेडी हो गया भारत माता की जय ओके okay, और एक ये भी स्टेटमेंट है मैं बहुत बार फ्रीक्वेंटली यूज करता हूं भारत माता की जाए ओके okay, सो so यहाँ पर अपना डेफिनेशन रेडी हो गया तो लेट्स क्रिएट ए डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट ओके एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन अब मालिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन क्या है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब ओके लॉजिकल पॉइंट है एकदम सिंपल सा पॉइंट है ओके इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मतलब एग्जामिन करना है एग्जामिन करना है और वो इंडिपेंडेंटली करना है सर यहां पर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा और एग्जामिनेशन का मतलब क्या होगा एग्जामिन करना मतलब सारी चीजें चेक करना अब कैसे चेक करना क्या करना वो अपन डिस्कशन बाद में करते हैं लेकिन अपन इंडिपेंडेंट होने जरूरी है इंडिपेंडेंट मींस व्हाट अभी के लिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन मैं आपको ये बता दूं एग्जांपल समझ शोरो ओके अगर यहां पर मेरा भाई मेरे ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करेगा एग्जांपल मेरे भा, मेरा भाई मेरा पीएनएल बैलेंस शीट चेक कर रहा है तो मेरा भाई जब कुछ ओपिनियन देगा ओके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर डोंट यू थिंक आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए कहीं ना कहीं वो बायास होगा बायस बायास जैसे भी आप प्रोनाउंस करते हो डिपेंडिंग ऑन योर इंग्लिश इट डिपेंड्स ऑन इंग्लिश फैक्टर्स ओके आर इंग्लिश विच इज यूजिंग द वर्ड बयास एंड देर इज इंग्लिश विच इज से बायस बायस बी बायस ओके बी आई एस बायस 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 और जो भी है है मेरा भाई ओपिनियन ओके okay, आपको लगता कहीं ना कहीं वो ओपिनियन बायस देगा बायस देगा मतलब क्या रहेगा कहीं ना कहीं वो बोलेगा यार मेरा भाई तो है यार मेरा भाई है यार ओके okay, कुछ गलती हो गई छोड़ दो इग्नोर करो एंड दैट इज वेयर इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट कम्स इनटू पिक्चर यानी यहां पर ऑडिट मतलब इट शुड बी इंडिपेंडेंट मेरे भाई नहीं चाहिए ओके okay, यानी जो एग्जामिन एग्जामिन करने वाला है वो मेरा भाई नहीं होना चाहिए मेरे रिलेटिव नहीं होने चाहिए मेरे पापा मम्मी नहीं होने चाहिए ओके okay, ये पॉइंट है मैंने तो फ्यू एग्जांपल बताया है मैंने क्राइटेरिया नहीं फुलफिल की अभी तक ये सब अपन डिस्कशन करेंगे ड्यू कोर्स में ये सब ड्यू कोर्स में डिस्कशन करेंगे अभी तो मैं खाली आपको ओवरव्यू दे रहा हूं यार एग्जैक्टली exactly ऑडिट क्या है और करना क्या है तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना है तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि इंडिपेंडेंट होना जरूरी है इंडिपेंडेंट मतलब आप मेरे रिलेटिव मत रहिए ओके okay, मेरे रिलेटिव नहीं करने चाहिए एग्जामिनेशन यानी एग्जामिनेशन कोई बाहर वाला बंदा करना चाहिए और एक सिंपल एग्जांपल में अपन देखे ओके एग्जामिनेशन पेपर है और एज्यूम करता हूं मैं सीए दे रहा हूं और मेरा भाई चेकर है एग्जामिनर है और मैं एग्जामिनेशन दे रहा हूं और मेरे भाई को मालूम पड़ा ऐसे कहीं पर भी नहीं होता है पर एज्यूम करते हैं सीए का छोड़ दिए कोई दूसरा एग्जामिनेशन है ओके okay, नहीं तो वापस बवाल हो जाएगा बिन मतलब का कोई दूसरा एग्जामिनेशन है ओके okay, दूसरा एग्जामिनेशन एबीसी एग्जामिनेशन है और एबीसी एग्जामिनेशन दे रहा हूँ और मेरा भाई उसका एग्जामिनर चक्कर है ओके डोंट यू थिंक वो कहीं ना कहीं मुझे मार्क्स ज्यादा देगा यही तो पॉइंट है यही वो कहना चाहते हैं कि एग्जामिनेशन करो लेकिन ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए फर्स्ट पॉइंट इंडिपेंडेंट के क्राइटेरिया दे हैव डिस्कस्ड वेरियस प्लेसेस तो डोंट वरी तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए ठीक है मालिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करेंगे दूसरा सिनारियो आफ्टर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन सर क्या होना चाहिए आफ्टर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एग्जामिनेशन किसका होना चाहिए ये होना चाहिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मालिक होना चाहिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का वॉट डज दिस एक्जेक्टली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मीन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हियर वी विल कंक्लूड एस यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूड एनी एलिमेंट एनी डॉक्यूमेंट विच इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल डेटा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें फाइनेंशियल डेटा होगा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें फाइनेंशियल डेटा होगा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें फाइनेंशियल डेटा होगा उसका एग्जामिनेशन की बात हो रही है ओके इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी यहां पर ओके okay, जो ऑडिट करने वाला बंदा होगा वो पहली बात इंडिपेंडेंट होगा वो एग्जामिन करेगा चेक करेगा सर क्या चेक करेगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल डेटा चेक करेगा जो डॉक्यूमेंट है जिसमें जो जो डॉक्यूमेंट होंगे फाइनेंशियल डेटा के वो सब चेक करेगा एग्जाम्पल

राइट ना ओनली अंडरस्टैंड कि भाई ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसने बनाया एनटीटी ने अब एनटीटी कौन सी है? उससे मुझे कोई करना नहीं है आपका प्रॉफिट मोटिव हो या नॉन प्रॉफिट मोटिव हो हम जो एग्जामिन करेंगे वो इंडिपेंडेंट ही रहेगा बात खत्म इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होगा इंफॉर्मेशन का ऑफ एनटीटी

ये तो एक जेनरिक हूं रहा हूं कुछ तो अभी स्टार्टिंग में समझा होगा, क्या होगा। पहला पॉइंट ऑडिट ये होगा कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होगा ठीक है सेकंड पॉइंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगा ठीक है तीसरा पॉइंट एंटिटी का होगा ठीक है।, okay, है और उसके बाद उसके साइज और लीगल फॉर्म मुझे मैटर नहीं करते और मैं ओपिनियन दूंगा अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं जो बुक में नहीं लिखा है और जो आपको अंडरस्टैंड करना है हम नेक्स्ट पंद्रह बीस मिनट बहुत अच्छे से समझिए ये कॉन्सेप्ट बहुत आ, ये आपको चैप्टर्स में आएगा ये आपको चैप्टर्स में आएगा मालिक ये आपको चैप्टर्स में डिस्कशन में, में आएंगे सो so, मालिक बेसिकली अब यहां पर विल डिस्कस एग्जैक्टली व्हाट हाउ इट वर्क्स ओके सो वी हैव अंडरस्टूड ऑडिट नी एक्सप्लेनेशन ओकेज ऐसे ब्रीफ में मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है आई जस्ट डिस्कस सर्टन वक्टली एन ऑडिट ऑब्जेक्टिव वॉट इज एन ऑडिट आप समझ चुके हो ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो अपन देख लेते हैं और उसके बाद अपन थोड़ी सी चीजें मर्ज करते हैं ओके ऑडिट ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ओकेज टू अंडरस्टैंड बिकॉज इसके बिना कोई चीज नहीं आएगी मतलब उसके बिना अपने को अल्टीमेटली समझेगा ही नहीं ऑडिट में करना क्या और अल्टीमेटली लास्ट ऑडिट का क्या क्या पॉइंट है ऑडिट का ऑब्जेक्टिव एकदम सिंपल है ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है ओके ऑडिट ऑब्जेक्टिव दो ऑब्जेक्टिव है ऑडिट के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं हमेशा ऑडिट के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं टू ऑप्टेन सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू ऑप्टेन सफिशियंट एंड

रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस्टेटमेंट मटेरियल मिस्टेटमेंट आराम से मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बट आई विल टेक ए टाइम आराम से समझिए ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है

फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ए फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट ओके कितने एलिमेंट है इसके अंदर पाँच चीजें बहुत अच्छे से और बारीकी से यह पाँच चीजें समझनी हमें एक एक, एक एक करके समझेंगे लेकिन उसके पहले सेकेंड ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर देते हैं सेकंड ऑब्जेक्टिव भी लिख लेते हैं तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट का ऑब्जेक्टिव ओके गलती से भी कंफ्यूज मत होना ऑडिट मतलब क्या है ये अपन समझ चुके हैं ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है ओके okay, किस का ओकेज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का जिसका एंटिटी का जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में है उनकी साइज क्या है उनका लीगल फॉर्म है उनसे मुझे कोई कंसर्न नहीं है और हमें ओपिनियन देना है दैट्स इट खत्म स्टोरी इतना सा कंसेप्ट था जिसमें मैंने आपको इंडिविजुअली समझा दिया लेकिन इससे अपन कुछ एस सच ऑडिट के ऊपर बहुत ज्यादा कंक्लूड नहीं कर सकते इसीलिए उसको थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूं ऑडिट का मकसद क्या है ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है ये 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 पांच चीज करने का ऑब्जेक्टिव क्या है आप ये ऊपर पांच चीजें लिखी है ना मालिक ये पांच चीजें लिखी है ना ये पांच चीजें ये, ये करने का मकसद क्या है दैट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑडिट ऑब्जेक्टिव तो मकसद ये है कि हमें ऑडिट एविडेंस चाहिए हमें एविडेंस चाहिए ताकि हम लोग रीजनेबल एश्योरेंस दे सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड अब ये सब वर्डिंग मतलब क्या क्या है डिस्कशन करता मैं आराम से रिपोर्ट टू प्रोवाइड अ रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड्स इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग टू प्रोवाइड एंड रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस With standards on auditing. हमारे दो चीज है हमारे हमारे ये पूरा करने का दो मकसद है ओकेज सबसे पहला मकसद हमारा है कि हमें एक ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन करना है ताकि हम रीजनेबल एश्योरेंस दे सके और रीजनेबल एश्योरेंस देने के बाद हमको ये कॉन्सेप्ट आए रीजनेबल एश्योरेंस क्या देना है हमें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट है और अगर ये ये करना है और इसके साथ में हमें रिपोर्ट करना है ओके इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग अब ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या है ये ये okay, ये सारी सारी चीजें चीजें क्या ओके एक एकदम आराम से समझाता हूं मैं। सबसे सबसे पहले पहले बात करते हैं हैं। एक-एक चीजों पे लेते व्हाट मीनिंग ऑफ़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? उठाते है। सर, मतलब, 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 आप चार चीजें दिमाग में रखिए पीएनएल बैलेंस शीट नोट्स एंड कैश फ्लो

ओके okay, एक एक पॉइंट लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस्टेटमेंट तो सबसे पहले वर्ड लेते हैं मटेरियल मिस्टेटमेंट को जिसमें से मटेरियल मिस्टेटमेंट मटेरियल मिस्टेटमेंट अब ये मटेरियल मिस्टेटमेंट आपके दो कॉन्सेप्ट में जाते हैं एक मटेरियल करके वर्ड होता है और एक मिसस्टेटमेंट करके वर्ड होता है नाउ व्हेन एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली मटेरियल मींस आई विल डिस्कस 2 मिनट्स लेटर बट मिसस्टेटमेंट को पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिसस्टेटमेंट मिसस्टेटमेंट कॉमन वर्ड है मिसस्टेटमेंट जो होना चाहिए और जो है ये दोनों में अगर फर्क है तो मिसस्टेटमेंट है जो होना चाहिए और जो वापस बोल रहा हूं जो होना चाहिए और जो है अगर ये दोनों में फर्क है जो होना चाहिए और जो है अगर ये दोनों में फर्क है उसको हम बोलेंगे मटेरियल मिसस्टेटमेंट वापस बोल रहा हूं मालिक जो होना चाहिए और जो है जो होना चाहिए और जो है अगर ये दोनों में फर्क है दोनों में फर्क है तो इसको बोलते हैं हम लोग मिसस्टेटमेंट जैसा होना चाहिए और जैसा है ये दोनों में अगर कोई फर्क है तो ये होता है मिस स्टेटमेंट हमें अपने आई डो थिंक सब लोग को मालूम है अकाउंट्स अपन किसके हिसाब से बनाते हैं अकाउंट अकाउंट्स कैसे बनाते हैं अपन अकाउंट जब प्रिपेयर करते हैं डू वी फॉलो सर्टेन स्टैंडर्ड इन अकाउंटिंग आंसर इज यस वी फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शायद आपने कुछ कुछ वर्ड सुने भी होंगे ओके जपन जो फॉलो करते हैं वो अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आपके सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और इंस्टीट्यूट ने अपने इंडेस लॉन्च कर लिया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्टरनेशनली इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है आई बोलते हैं उसको आई इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंड ये है ओके ये इसके हिसाब से है। ज्यूम करते हैं एग्जाम्पल समझिए एग्जाम्पल समझिए ओके इसके हिसाब से ओके okay, एक्साम्पल अगर अगर अपन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से फॉलो करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ये बोलते हैं लिफो होना चाहिए था और लिफो की जगह हमने फिफो फॉलो किया

एस एल एम स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करो और हमने डब्ल्यू राइटिंग डाउन वैल्यू मेथड फॉलो किया ओके okay, दोनों में फर्क है मालिक ओके okay, दोनों में फर्क है तो क्या है मालिक मिस स्टेटमेंट है मिस स्टेटमेंट सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ मिस स्टेटमेंट जो होना चाहिए और जो है ये दोनों में फर्क है दैट इज नथिंग बट मिस स्टेटमेंट ओके okay, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है लेकिन और दो तीन एग्जांपल मैं समझा रहा एग्जांपल एसएलएम फॉलो करना चाहिए था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है एसएलएम फॉलो करो हमने एसएलएम ही किया लेकिन एसएलएम एल इन्होंने बोला था 20 परसेंट करो और हमने 15 परसेंट चार्ज किया एसएलएम एम 10 परसेंट चार्ज किया वॉट एवर इट मे भी ट्वेंटी परसेंट होना चाहिए था लेकिन टेन परसेंट किया जो होना चाहिए और जो है ये दोनों में अगर फर्क है दैट इज कॉल्ड मिस्टेटमेंट आर यू गेटिंग द पॉइंट मान ली जो होना चाहिए वो होता है मिस्टेटमेंट स्टेटमेंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल बेंचमार्क देते benchmark के आपने एक्चुअली दिए दस परसेंट यूजली प्रोविजन फॉर डेट्स आप लॉजिकली समझो दस परसेंट दिया मतलब कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आपने प्रॉफिट एंड लॉस को कम किया okay, जो आप प्रैक्टिकली समझिए इस तरह से पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंपैक्ट होता है मालिक तो आपको पांच परसेंट देना चाहिए था और आपने दिया दस परसेंट ओके जो होना चाहिए और जो है दोनों में फर्क है दिस इज कॉल्ड मिस तो मिस के का कई प्रकार है मालिक मिस्टेटमेंट के कई प्रकार है इट कैन रिलेट टू फिगर्स इट कैन रिलेट टू योर अकाउंटिंग पॉलिसीज इट कैन रिलेट टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इट कैन रिलेट टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इट कैन ऑल्सो रिलेट टू डिस्कलोजर डिस्कलोजर ओके कंपनी शेड्यूल थ्री बोलता है कि भाई हमें ऐसा सा डिस्कलोजर चाहिए और आपने कुछ अलग डिस्कलोजर दिया है ओके okay, दोनों क्या होना चाहिए और क्या है दोनों में डिफरेंस है इसको हम क्या बोलेंगे मिस स्टेटमेंट

परसेंट डेप्रीसिएशन देना चाहिए था इन लोगों ने टेन पॉइंट टेन परसेंट पॉइंट टेन परसेंट डिप्रिसिएशन दिया समझो ईश्वर एग्जांपल को समझो टेन परसेंट देना चाहिए था लेकिन फिलोसॉफी टेन पॉइंट टेन परसेंट है या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पांच परसेंट देना चाहिए था इन्होंने फाइव पॉइंट वन परसेंट दिया है अमाउंट कितना होगा वन परसेंट का क्या कंटेंट होगा वन परसेंट फिगर कितने होगा, या 0 .2%, 0 .1 है, .1 का फिगर कितना होगा, .1 की से कितना इंपैक्ट होगा ये आपको पता करना होगा misstatement है, misstatement है, लेकिन आपको एक साथ में ध्यान में रखना जरूरी है और एक वर्ड आता है तो मिस स्टेटमेंट मेरे ख्याल से सबके दिमाग में गया मालिक अब बात करता हूं मटेरियल मिसमेंट नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटेरियल मटेरियल मीन एनीथिंग विच इंफ्लुएंस यूजर्स मटेरियल मीन्स एनी थिंग विच इंफ्लुएंस यूजर्स जो चीज यूजर्स को इंफ्लुएंस करेगी जो चीज यूजर्स को इंफ्लुएंस करेगी उसको हम बोलते हैं मटेरियल ओके जो चीज यूजर को इन्फ्लुएंस करेगी उसको हम बोलेंगे मटेरियल इंफ्लुएंस यूजर्स को करती है उसको हम बोलते हैं मटेरियल एंड प्लीज अंडरस्टैंड ओकेज वेदर इट इज मटेरियल और नॉट मटेरियल इट डिपेंड्स ऑन यूजर टू यूजर यूजर में हैवे डिफरेंट परसपेक्टिव एक छोटे सा एग्जांपल इसके लिए वापस एक एग्जांपल एक बताता हूं मालिक आप समझो शुरू ओके लेट टेक एन एग्जांपल ओके मैं रिक्शा में बैठा रिक्शा रिक्शा ऑटो ऑटो मेरे ख्याल से आपको सबको मालूम होगा ऑटो 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 होते मुंबई में ऑटो होती है और मुंबई में ऑटो मीटर पे चलती है जब एक मीटर आता है तो अठारह रुपया होता है अठारह रुपए होते हैं अठारह उन्नीस रुपए होते हैं okay, मेरे को आइडिया नहीं है क्योंकि बहुत टाइम हो गया ऑटो में नहीं गया वैसे कोविड के लिए उसे पहले से बहुत टाइम पे पर लेकिन ठीक है ओके तो क्या है भाई थोड़ा वार थोड़ा मतलब अब जाना पड़ता और अगर प्रिफर्ड भी रहा तो मेट्रो प्रीफर करते रेदर दे देन ऑटो लेकिन अगर ऑटो रिक्शा में गया तो उसका अठारह या उन्नीस रुपए कुछ होता है ओके तो एज्यूम करते हैं एक मीटर आया तो हाँ एक मीटर एक के ऊपर नहीं आता और मिनिमम मीटर एक एक, एक पॉइंट का रहता है एक किलोमीटर का जैसा वो एक मीटर का एक एक पॉइंट का रहता है मैं ऑटो में बैठा

वो बोल रहा है दस का है पर आप आठ रुपए छुट्टे दीजिए मैं आपको दस का नोट दे देता अरे भाई मेरे पास भी आठ रुपया छुट्टा नहीं और आठ रुपया ढूंढने के लिए जाऊंगा बहुत ज्यादा टाइम जाएगा मैं हमेशा क्या करूंगा मैं इस कंसेप्ट में क्या करूंगा अरे भाई ठीक है रख ले भाई छोड़ दे इग्नोर द फैक्ट इग्नोर इग्नोर छोड़ दे छोड़ दे रख ले भाई दो रुपया रख ले तू ओके थोड़ा प्रैक्टिकली समझ प्रैक्टिकली समझ इस पॉइंट को एज्यूम करते हैं पचास रुपए की नोट दी रुपए की नोट दी और कुछ फोर्टी uh, वन रुपीज हुआ पचास रुपए की नोट दी ओके okay, वो बोला नौ रुपए छुट्टा नहीं है मेरे पास तो मैं बोला ठीक है रख ले यार रुपए रुपए के लिए किधर एडे करेंगे रुपए कॉन्सेप्ट समझो हाँ मालिक ओके डू यू थिंक मेरे को ये पैसे तो मेरे ही थे वो दो रुपए भी मेरे थे ये नौ रुपए भी मेरे ही है ओके okay, लेकिन मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे है. अब इमेजिन करो ओके okay, वही रिक्शा वाला है और भाई एज्यूम करो उसका फोर्टी वन रुपीज हुआ और मैंने उसको दो हजार की नोट दी या अठारह रुपया हुआ मैंने दो हजार की नोट दी और उसने बोला भैया छुट्टा नहीं है मां कसम मैं थोड़ा ना बोलूंगा रख लो मां कसम लग गए ना भाई वह प्रॉब्लम हो रहा ना मालिक समझने को करो दिस इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज वॉट वी कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल एनी थिंग विच इंफ्लुएंस डिसीजन मेकिंग जब दो रुपया था तो मेरे डिसीजन मेकिंग में इंपैक्ट नहीं कर रहा था जब वो नौ रुपया था तभी डिसीजन मेकिंग इंपैक्ट नहीं कर रहा था लेकिन जब वो सौ रुपया दो सौ रुपया चार सौ रुपया हजार रुपया हो गया हंड्रेड एंड वन परसेंट मेरे डिसीजन मेकिंग में इंपैक्ट कर रहा है मैं क्या बोलूंगा छोटी मोटी चीजें छोड़ दे रहे छोटी मोटी चीजें इग्नोर कर यार एक यार अरे यार दस करोड़ की बैलेंस शीट है दस करोड़ में से दस रुपए का प्रॉब्लम आ रहा है छोड़ ना भाई इग्नोर कर दस करोड़ की बैलेंस शीट है अरे दो हजार करोड़ की बैलेंस शीट दो हजार करोड़ की बैलेंस शीट दस हजार का फर्क कुछ प्लस प्लस माइनस हो हो रहा है, हो रहा है है ओके अरे भाई मटेरियल नहीं है यू अंडरस्टैंड दिस एंड दैट्स व्हाट वे अंडरस्टैंड दैट मटेरियल स्टेटमेंट की बात करेंगे यानी ये ऑडिट करने का मेन मकसद क्या है ओके हमें क्या करना है हमें यह करना है कि हमने ऑडिट एविडेंस लेने हैं हमें ऑडिट इविडेंस लेने, इविडेंस लेने इविडेंस लेने ताकि हम रीजनेबल एश्योरेंस दे सके हम रीजनेबल एश्योरेंस दे सके रीजनेबल एश्योरेंस दे सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस्टेटमेंट वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस्टेटमेंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने पूरा देखा चेक किया हमारे पास इविडेंस है और हम आपको रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं पूरी तरह गया हूं और मुझे कहीं पर भी इसमें मटेरियल स्टेटमेंट नहीं मिल रहा मालिक कहीं पर भी मटेरियल स्टेटमेंट नहीं मिल रहा एंड दिस इज वेयर अवर कॉन्सेप्ट कम्स इन टू पिक्चर प्लीज अंडरस्टैंड वी आर नॉट हियर टू चेक एवरी मिस्टेटमेंट आई एम इंटरेस्टेड इन मटेरियल मिस्टेटमेंट स्टेड इन विच में स्टेटमेंट मटेरियल में स्टेटमेंट बट प्लीज मेक इट श्यूर वॉट इज मटीरियल वॉट इज नॉट मटेरियल डिट इज ए मैटर ऑफ फैक्ट यू नीड टू टेक केयर वेरी केयरफुल यू नीड टू मतलब टैक्ट दिस पर्टिकुलर पॉइंट वेरी केयरफुल एग्जाम्पल मैंने क्या बोला दो रुपया मेरे लिए मटेरियल नहीं है लेकिन थिंक अबाउट एग्जाम्पल बोलो एग्जाम्पल एक सटन कॉलेज इज देयर मैं, मैं जिधर मेट्रो स्टेशन उधर कॉलेज वाला भी बनता है ओके कॉलेज प्यून इज देयर फॉर प्यून डोंट यू थिंक दैट टू रुपीज इज ऑल्सो मटेरियल वेरी क्लियर मटेरियल इज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और इसीलिए मटरियलिटी इज ए मैटर ऑफ जजमेंट ये आपका और मेरा ये जजमेंट फर्क रहेगा आपके लिए कुछ जजमेंट अलग रहेगा मेरे लिए कुछ जजमेंट अलग रहेगा जजमेंट का बात है भाई जजमेंट का बात है और यह जजमेंट के मैटर को अपने को डिस्कशन करना है मालिक ओके okay, so ओके तो तो वापस आते हैं मेरे कुछ कुछ है ऑडिट okay, ऑडिट so क्या था मैंने बता दिया अब ऑडिट ये बता इसमें कुछ कंक्लूड नहीं कर पा रहे थे बहुत ज्यादा ऑडिट के डेफिनेशन से इसीलिए मैं वो ऑडिट करने का मकसद बता रहा हूं जिसकी वजह से अपन मैं आपको सारे चैप्टर्स के लिंक बता सकता हूं और कॉन्सेप्ट समझा सकता हूं ओके okay, तो अब यहां पर अपना ऑडिट करने का मकसद क्या है तो मैंने क्या बताया दो मकसद है सबसे पहला मैं ऑडिट इविडेंस लूंगा सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट कीवर्ड छोड़ दीजिए ये अपन दो लेक्चर के बाद आएगा डिस्कशन में ओके सफिशेंट एंड एपोप्रेट छोड़ दीजिए अभी डिस्कशन में मत रखिए हम लोग ऑडिट इविडेंस लेंगे मालिक ऑडिट इविडेंस लेंगे सर ऑडिट इविडेंस क्यों लेंगे ताकि हम रीजनेबल एश्योरेंस दे सके रीजनेबल एश्योरेंस क्या देंगे हम हम क्या रीजनेबल एश्योरेंस देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट आई डू थिंक नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला तो मतलब कौन पी एन एल बैलेंसशीट कैश फ्लो एंड नोट्स ये चारों चीजें में कहीं पर भी मटीरियल मिस्टेटमेंट नहीं है मटेरियल मिस्टेटमेंट नहीं है मालिक आत्मा क्लियर है मटेरियल स्टेटमेंट नहीं है वापस मैं वर्ड यूज़ एकदम आराम से आई एम नॉट यूजिंग नहीं है इसका मतलब हमको हम कोई गारंटी दे देते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई एरर ही नहीं है स्टेटमेंट कोई, कोई ही नहीं है मटेरियल स्टेटमेंट ही नहीं है हम कोई गारंटी देते हैं नहीं आपका अगला वर्ड जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड का डिस्कशन जाता है स ओकेज मेरे ज्ञानियों मेरे ज्ञान के सागर हो पॉइंट समझियोश्रो वी डोंट गिव ओकेज एब्सुलूट एश्योरेंस वी गिव रीजनेबल एश्योरेंस एंड हियर कम योर नेक्स्ट वर्ड ओके इज नाउ वी आर डिस्कसिंग रीजनेबल एश्योरेंस प्लीज अंडरस्टैंड रीजनेबल एश्योरेंस इज नॉट एन एब्सुलट एश्योरेंस सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ एब्सुलट एश्योरेंस और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीजनेबल एंड एप्सोलूट एश्योरेंस भारत माता की जय रीजनेबल एंड एप्सुलट एश्योरेंस में बहुत फर्क है मेरे भाई अगर मैं तेरे को बोलू एपसोलूट एश्योरेंस मतलब हंड्रेड गारंटी एप्सुल्यूट एश्योरेंस मतलब हंड्रेड एश्योरेंस 100% assurance malik when we discuss absolute assurance it is 100% assurance but when it is not an absolute assurance and if i am using the word reasonable assurance it means anything which is high level of assurance high level high level ekdam high level high level of assurance make sure you understand this higher level of assurance but not absolute assurance नाइन्टी नाइन एश्योरेंस देता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट मैं आपको 98% एट एश्योरेंस देता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट मैं आपको 91% एश्योरेंस देता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस्टेटमेंट मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं विच इज एन हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट इट इज नॉट एन एब्सुलट एश्योरेंस अंडरस्टैंड वेन आई से सेब्सुलट एश्योरेंस इट मीन्स हंड्रेड एश्योरेंस और जब भी हम हंड्रेड एश्योरेंस की बात करेंगे लॉजिकली आप इनकरेक्ट हो क्योंकि 100% परसेंट एश्योरेंस कभी भी ऑडिट में नहीं दे सकते यहां पर कहीं पर भी मैंने वर्ड एश्योरेंस नहीं यूज किया और अब एक छोटा सा पॉइंट होगा आपका कि सर ऐसा क्यों है कि हम एप्सोलिट एश्योरेंस नहीं दे सकते अरे भाई बहुत सारे लिमिटेशन है जिसमें से एक पॉइंट मैं आपको बता सकता हूं एक पॉइंट अभी बता सकता हूं बाकी जब क्वेश्चन आंसर के साइड टाइम डिस्कशन करेंगे ये ये चैप्टर का ही पॉइंट है आपका है। एक मैं आपको लिमिटेशन बता सकता हूं मेरे को बताओ आपको इविडेंस देने वाला कौन है आप क्लाइंट के पास जाओगे आप इविडेंस मांगोगे मेरे को बताओ ये डेटर्स कहां से आए ये क्रेडिटर्स कहां से आए ये आपके परचेस थे कि नहीं आपके सेल्स थे कि नहीं इसके लिए बैंक स्टेटमेंट दो ये दो सब कुछ दो ये सारा देने वाला कौन है एविडेंस देने वाला कौन है इविडेंस देने वाला ऑर्गेनाइजेशन है यानी अरे ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी है सामने वाला आपका क्लाइंट है तो कितना कुछ भी करो कहीं ना कहीं यू नीड टू अंडरस्टैंड ओके आपको इविडेंस क्लाइंट के थ्रू आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं देर इज सटन लिमिटेशन इमेजिन करो क्लाइंट ही खुद फ्रॉड मतलब आई एम नॉट डिस्कसिंग फ्रॉड में बट देर इज सम समॉब्लम्स देर आर मेनी एस्पेक्ट इन टू इट सत्यम का केस लो के केस लो ये केसेस में ओके कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है ऑडिटर ने डेफिनेटली ऑडिटर मे बी एट फॉल्ट हंड्रेड परसेंट आई एम नॉट डिपेंडिंग ऑन दैट बट आई एम डिस्कसिंग देर मे हैपन दैट मैनेजमेंट में देम सेल्फ हाइड सम इंफॉर्मेशन एंड दिस दिस कैन इज एन एक्चुअल केस ऑफ पी एन बी ऑल्सो पीएनबी का कॉन्सेप्ट आउट ऑफ द सिस्टम हुआ था पीएनबी में आउट ऑफ द सिस्टम अप्रूवल हुए थे इसीलिए ऑडिटर को जो कॉन्करेंट ऑडिटर है या जो भी ऑडिटर है उसको समझ में नहीं आया क्योंकि सिस्टम के थ्रू नहीं था

कहीं पर भी हर क्लाइंट ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं अरे भाई ओके okay, लेकिन देर में भी अ पॉइंट एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इसीलिए ऑडिट का ऑब्जेक्टिव हमेशा रहता है कि रीजनेबल एश्योरेंस दो कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दोगे इसीलिए याद रखना ओके okay, हम लोग कौन सा एश्योरेंस देते मालिक रीजनेबल एश्योरेंस देते कौन सा एश्योरेंस देते मालिक रीजनेबल एश्योरेंस तो मेरे को कोई बताइए रीजनेबल एश्योरेंस और एब्सोल्यूट एश्योरेंस में डिफरेंस क्या है एब्सोल्यूट एरेंस मतलब कितना assurance? 100% assurance. और रीजनेबल एश्योरेंस मतलब ओके नॉट ए 100% एश्योरेंस लेकिन हाई लेवल ऑफ एश्य दिमाग में बिठा दीजिए बिठा दीजिए ओके रीजनेबल एश्योरेंस मतलब हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस इट इज नॉट ए 100% परसेंट एश्योरेंस बट इट इज एन हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस आर यू गेटिंग द पॉइंट इट इज एन हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट इट इज नॉट एन 100% ऑफ एश्योरेंस ओके okay, अब अब आइए और स्टेटमेंट रीड मारिये अब आपके दिमाग में बैठना चाहिए ओकेज okay, अब मेरे को बताइए आप, आप ये अब ये स्टेटमेंट मारिये ऑडिट ऑब्जेक्टिव अब बोलिए ऑडिट ऑब्जेक्टिव पहला ऑब्जेक्टिव क्या है टू ऑप्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट छोड़ दीजिए वर्ड टू ऑप्टेन ऑडिट इविडेंस ऑडिट कौन देगा क्लाइंट ऑडिट इविडेंस हम लोग ऑडिट इविडेंस ले रहे हैं क्लाइंट से सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं क्लाइंट से ताकि हम क्लाइंट को रीजनेबल एश्योरेंस दे सके स्टेक होल्डर को रीजनेबल एश्योरेंस दे सके सारी सोसाइटी को रीजनेबल एश्योरेंस दे सके हम वापस बोल रहा हूं वी आर ऑप्टेनिंग ऑडिट एविडेंस हम लोग ऑडिट एविडेंस ले रहे हैं हम लोग ऑडिट एविडेंस ले रहे हैं ताकि हम सोसाइटी को स्टेक होल्डर्स को ओके okay, सारे सारे जनों को हम रीजनेबल एश्योरेंस दे सके क्या रीजनेबल एश्योरेंस दे सके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस्ट स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर यानी आपका पी एन एल बैलेंस शीट कैश फ्लो एंड बॉस नोट ये इसमें कहीं पर भी मैं वर्ड यूज कर रहा हूं मटेरियल स्टेटमेंट नहीं है मैंने कहीं पर भी नहीं बोला स्टेटमेंट नहीं है मटेरियल स्टेटमेंट नहीं है दैट्स इट दिस इज योर फर्स्ट सेट यह समझने की कोशिश करो ये मकसद है मेरे ऑडिट का ऑडिट मतलब क्या ये समझ गया ऑडिट मतलब मैं एग्जामिनेशन करूंगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का अब मेरे को ये बताओ ओके ऑडिट ऑडिट मतलब मैंने बोला ऑडिट मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन करूंगा अब मेरे को बताओ ओके okay? अगर मेरे को दिखना है पीएनएल बैलेंस शीट में इंफॉर्म मेरे को क्या बताना है पीएनएल बैलेंस शीट में जो भी ओके okay? मेरे को रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है और मेरे को रीजनेबल एश्योरेंस देना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहीं पर भी गलती नहीं है अब मेरे को बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन कहां से आती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से जर्नल लेजर स्टाइल बैलेंस तो कहीं ना कहीं हम वही तो ऑडिट इविडेंस लेंगे तो याद रखना ऑडिट ऑब्जेक्टिव पहला ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर रखिए भारत माता की मेरे ख्याल से दिमाग में बैठ गया मालिक आई डो थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट तो मेरे ख्याल से अभी दिमाग में झेप गया पॉइंट तो दिमाग में झेप गया ये पॉइंट बैठ गया बात खत्म ओके okay, तो वा, वापस बताइए ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या मालिक भारत माता की जाए ऑडिट ऑब्जेक्टिव टू ओके टू टू ऑपटेन ओकेशन अप्रोप्रिएट छोड़ दिए वर्ड टू ऑप्टेन ऑडिट इविडेंस टू ऑपटे ऑडिट इविडेंस टू गिव रीजनेबल एश्योरेंस मैं रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा हूं ओके रीजनेबल एश्योरेंस इज नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट स्टेटमेंट ओके यहां तक के इसमें मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए एक छोटा सा पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूं सर व्हाट कैन बी द परसेंटेज ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस वट कैन बी दर्सेंटेज ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस इसको अपन चैप्टर में डिस्कस करेंगे लेकिन मैं आपको अभी बस यहां पर इतनी जानकारी दे सकता हूं कि जितना ज्यादा एश्योरेंस रहेगा उतने उतना पब्लिक आपके ऊपर फेत रखेगा एब्सुलट एश्योरेंस कभी नहीं दे सकते ये दिमाग में डाल दीजिए यू कैन ने एप्सुलट एरेंट इज ऑल्सो रीजनेबल एश्योरेंस नाइन टू परसेंट इज ऑल्सो रीजनेबल एश्योरेंस रीजल्टी एट परसेंट रीजनेबल एश्योरेंस जितना, तो जितना, Example, 90 92 97 98 जितना आप एश्योरेंस जितना ज्यादा एश्योरेंस दोगे उतना पब्लिक आपके रिपोर्ट पर रिलाई करेगा जितना आपका कम एश्योरेंस होगा उतना रिलाई कम करेगा अभी आपका आएगा, सर ऐसे कैसे को पड़ेगा, कितना यही कैलकुलेटिव मेजर यही तो ऑडिट है ऑडिट इविडेंसिट करोगे उतना आपका बढ़ता जाएगा आप ऑडिट इविडेंसटेन करोगे तो आपके एश्योरेंस बढ़ते जाएंगे रीजनेबल कब होगा आप बहुत भयंकर जब आपके पास ऑडिट इविडेंस तोड़ रहेगा यही कॉन्सेप्ट यहां पर डिस्कस किया हुआ है तो मेक श्योर sure आपके दिमाग में क्लियर है दो आउटकम हो सकते हैं इसके दो आउटकम हो सकते हैं भारत माता की इधर तक क्लियर है फ्रीज करें दो आउटकम हो सकते हैं पहला आउटकम ओके ऑडिट डिविडेंस मिला और मुझे रीजनेबल एश्योरेंस आया कि फाइनेंशियल ठीक है? तो है क्या करना है मालिक रिपोर्ट करना है दूसरा मैंने सब चेक किया और मुझे मालूम पड़ा फाइनेंशियल आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट देयर देयर इज अ फ्रॉड मालिक मिस होने के चांसेस क्या है मेरे को बताइए स्टेटमेंट क्या था मैंने आपको क्या बताया मिस मतलब क्या जो होना चाहिए और जो है दोनों में डिफरेंस है जो होना चाहिए और जो है दोनों में डिफरेंस है दोनों में डिफरेंस रहने का कारण क्या दोनों में डिफरेंस रहने का कारण आइदर देर में बी एरर और देर में ए फ्रॉड दोनों में डिफरेंस रहने का कारण क्या है मालिक देर कैन बी आई एरर और देर कैन बी ए फ्रॉड ऐसा तो नहीं होगा ना भाई एरर एरर सर ऐसा तो नहीं होगा ना मिस्टेटमेंट ऐसे ही हो अरे ऐसे ही ऐसे ही थोड़ा रहता है यार या तो उसके अंदर कुछ फ्रॉड किया रहेगा किसी ने या कुछ एरर हुआ रहेगा तो अब मेरे को समझ में आ रहा है कि दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा हूं आपको मेरे को समझ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे समझ आ रहा है और मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, है, तो है।, है, है. Okay, तो है दूसरा ऑब्जेक्टिव अचीव करना है ऑब्जेक्टिव यानी, okay, यानी, यानी, जैसे ही अपना कंप्लीट होगा पहला ऑब्जेक्टिव जैसे ही अपना कंप्लीट होगा हमें दो आउटकम मिलेंगे ओके या तोड़ आउटकम मिलेगा या ट गुड नॉट गुड मतलब ओकेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मटेरियल मिस्टेटमेंट है तोड़ मिलेगा नहीं तो नॉट गुड नॉट गुड मतलब क्या मालिक ओकेज मटेरियल मिस्टेटमेंट प्रेजेंट है ओकेज okay, आइर आपको तोड़ मिले तोड़ मतलब क्या मालिक ओके okay, जबरदस्त कोई मिस्टेटमेंट नहीं है नो no मिस्टेटमेंट आपको तोड़ मिले या नॉट गुड मिले आपको दोनों केसेस में आपको रिपोर्ट करना है दोनों केसेस में आपको रिपोर्ट करना है और मालिक जब आप रिपोर्ट करोगे तो आप अपनी मर्जी से रिपोर्ट नहीं करोगे तेरी मर्जी से तू रिपोर्ट बनाएगा चलो भाई लेटर हेड जैसे बनाते वैसे रिपोर्ट बनाते हैं ऐसा नहीं होगा यू नीड टू रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड दैट इज वॉट वी कॉल्ड एस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एस बोलते हैं इसको अपन एस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग वी नीड टू फॉलो भारत माता की जय आत्मा क्लियर है दैट्स दैट्स वेर डिस्कशन टू पिक्चर, इट, अगर आपने ये पूरी कहानी लास्ट एक बीस मिनट से बीस मिनट से मैंने जो समझाई अगर ये कहानी समझ ली ऑडिट ऑब्जेक्टिव की तो आपके लिए ऑडिट का बेस और कॉन्सेप्ट रेडी हो गया

तो ये एक बेंचमार्क आप दिमाग में रख लीजिए इसको पार्किंग लॉट में डाल मेरे ख्याल से इधर तक पार्किंग लॉट में सबको क्लियर इधर तक पार्किंग लॉट में डाल आत्मा क्लियर ठीक है ओके वन मोर छोटा सा कॉन्सेप्ट क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग वर्ड आया हुआ है स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग वर्ड आया हुआ है ओके okay, तो so इसके लिए मेरे को ये कॉन्सेप्ट भी मैं समझा रहा हूं और उसके बाद फिर अपन तोड़ मोड़ कॉन्सेप्ट चैप्टर्स में जाएंगे फिर अपन इंडेक्स को देखेंगे और जहां पर अपन आज का लेक्चर एंड करेंगे ओके okay, समझिए अपना आईसीआई अब उसके अंदर कौन है कौन सी बोर्ड है वो बोर्ड के ऊपर मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं ओके इज एन ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है मैं कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूं मैं एकदम शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं जैसे अपने अकाउंट्स में स्टैंडर्ड है अभी एकदम समरी फॉर्म में पढ़ रहे अपन जैसे अपने अकाउंट्स में स्टैंडर्ड है ऑडिट में भी स्टैंडर्ड्स है वैसे आप नाम सुन चुके हो अभी नाम सुन चुके हो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑडिटिंग है आपके पास वैसे ही अपना इंस्टीट्यूट ऑडिट के लिए स्टैंडर्ड्स देता है ओके उनकी एक बोर्ड है एक कमिटी है ओके वो है बोर्ड है वो बोर्ड पे जो लोग बैठे रहते हैं वो लोग ये स्टैंडर्ड्स बनाते हैं और यहां पर ओके प्लीज डू अंडरस्टैंड चार कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिए और चारों कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ लीजिए मालिक समझ लीजिए अच्छे से समझ लीजिए सबसे पहला ओके okay, अपने को काम मिलता है वो है ऑडिट का ऑडिट का दूसरा काम मिलता है रिव्यू का तीसरा काम मिलता है एश्योरेंस का और चौथा काम होता है रिलेटेड सर्विस का रिलेटेड सर्विस सब समझाता हूं आराम से समझिए ओके अपने पास टोटल चार तरह के काम आते हैं पहला काम आता है ऑडिट के लिए ओके मैं अपने लिए मतलब कौन बात कर रहा हूं दीज आर नॉट ए सीए हुई हुआ सर्विस इंडस्ट्री दीज आर सी एर इंटू प्रोफेशनल वर्क हु प्रैक्टिसिंग सी ए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो आप अपनी ऑफिस खोलते हो अपनी ऑफिस खोलने के बाद आप प्रैक्टिसिंग सीए होते हो प्रैक्टिसिंग सीए क्या क्या काम लेता है वो चार तरह के काम लेता है वो पहला काम लेता है ऑडिटिंग का काम दूसरा काम लेता है रिव्यू का काम तीसरा काम लेता है एश्योरेंस के काम और चौथा काम लेता है विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड सर्विस के काम

ओके okay, मैं वस समझा रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ ओकेज okay, आप दिमाग में डालिए और ये मैं सिलेबस के बाहर का नहीं बता रहा हूँ और मैं कुछ भी सिलेबस की चीजें बाहर बताऊंगा नहीं और जो भी चीज बाहर की बताऊंगा वो मैं अपनी कहानी बताऊंगा और अपनी कहानी में तो मैं इंटरेस्टेड रहता है वो किस कुछ पॉइंट आता है जिसमें मेरी कहानी आती है और कहानी नहीं आई तो माँ कसम साला मजा कैसा लाइफ में अगर एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सके तो लाइफ क्या है यार मेरे को बता कुछ बात करने को रहे तो अपने पास लाइफ में एक्सपीरियंस शेयर करने को चाहिए अरे भाई कंटेंट तो पूरी जिंदगी चलते रहने वाला है कंटेंट तो अपना होने वाला है कंटेंट के साथ में अगर एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया तो, तो अगर कुछ भी चीजें मैं बाहर की बताता ना मैं अपनी बताता बस अपनी हवा करता बस ये, ये अपनी जिंदगी है तोड़ ओके अब इसमें कोई अपनी लेता है मतलब कोई किसी कोई को, जैसा जो समझे एवरी पर्सन इज करेक्ट स्टार्टिंग में ही मैंने बोला

ट से जस्ट गो थ्रू जस्ट चेक यानी ऑडिट में अगर अपन सात चीजें करते हैं तो रिव्यू में सिर्फ दो चीजें करेंगे That's it. ये point आप दिमाग में रख लीजिए एकदम शॉर्ट में और जब यह पॉइंट आएगा डिस्कशन में, में आपको आपको क्लियर बता दूंगा ऑडिट में अगर अपन सात चीजें करते हैं सेवन थिंग्स वी डू इन ऑडिट इन रिव्यू वी ओनली डू टू थिंग सेट इसके अलावा कुछ नहीं करते रिव्यू uh, में तो रिव्यू इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू ऑडिट बट दिस इज वन मोर इंगेजमेंट दिस इज़ सेपरेट ऑल और ऐसा भी हो सकता है ऑडिटर ही रिव्यूअर रह सकता है ओके okay, ऑडिटर ही रिव्यूअर हो सकता है एग्जाम्पल ओके, एचयूएल लेते हैं हिंदुस्तान लिमिटेड एक्सपीरियंस okay, मतलब जैसे मैं सीए क्लियर हुआ ज्वाइन पीडब्ल्यूसी प्राइस प्राइज स्कूपर्स जैसे ही पीडब्ल्यूसी जो किया पीडब्ल्यूसी में आई वाज ऑन एचुएल ऑडिट तो थोड़ा सा एचुअल ऑडिट की जानकारी थोड़ी सी है तो डेफिनेटली uh, उसका कॉन्सेप्ट और बैकग्राउंड मेरे इसमें रेडी रहता तो वहां पर एचुएल ओके एचुएल में दो कॉन्सेप्ट होते थे एक तो ऑडिट होता था और लिमिटेड रिव्यू तो होता था एल आई डोट नो हम अवेर अबाउट द वर्ड एल लिमिटेड रिव्यू पीडब्ल्यू सी एज एन ऑडिटर शुड अब रिव्यू एज वेल एज ऑडिटर तो अगर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों आप ही ऑडिटर भी हो रिव्यूअर भी हो या आप ऑडिटर हो और रिव्यूअर कोई अलग है ऐसा भी हो सकता है देर इज नो कंपल्शन यानी वही सीएफ एन में आप पढ़ोगे लेकिन अभी थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी देने के लिए तो अगर आप ऑडिट फॉलो करोगे तो आपको आपको है ना फॉलो करने पड़ेंगे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे ऐसे जो बोल एस वैसा और अगर आप रिव्यू करते हो तो आपको एसआर फॉलो करना पड़ेगा एसआर मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू रिव्यूज इसके अलावा और एंगेजमेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड एश्योरेंस एंगेजमेंट अभी यहां पर कोई डिबेट होगा सर एश्योरेंस सर आपको ऐसा नहीं लगता आपने बोला था ऑडिट में भी तो एश्योरेंस ही है हाँ मेरे भाई ऑडिट में भी रीजनेबल एश्योरेंस है लेकिन ये एश्योरेंस इज समथिंग डिफरेंट ये दिस एश्योरेंस इंगेजमेंट इज नथिंग टू डू विथ रीजनेबल एश्योरेंस कॉन्सेप्ट और ऑडिट कॉन्सेप्ट दिस एश्योरेंस इंगेजमेंट आर सेपरेट इंगेजमेंट ऑल टूगेदर ये एश्योरेंस सर्विसेस एंड हियर द एश्योरेंस इज ऑलवेज मॉडरेट एश्योरेंस और नेगेटिव एश्योरेंस अगर आप ये सर्विसेज लोगे तो इसमें मॉडरेट एश्योरेंस देते हैं या तो नेगेटिव एश्योरेंस देते हैं

तो एक सम डिफरेंट फॉर्म ऑफ एश्योरेंस है तो वो अगर एश्योरेंस एंगेजमेंट आपने लिए हुए है, विच इज सेपरेट फ्रॉम ऑडिट ऑल टुगेदर सेपरेट फ्रॉम ऑडिट ओके हमको फॉलो करने पड़ते हैं एस ए स्टैंडर्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट तो तीसरा एंगेजमेंट है आपके एश्योरेंस एंगेजमेंट उसको नाम देते हैं ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट आत्मा क्लियर है स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट भारत माता की जय मालिक समझ मारा मालिक एंड लास्ट इज रिलेटेड सर्विसेज रिलेटेड सर्विसेज मतलब क्या मेरे ख्याल से आपको पता होगा चार्टेड अकाउंटेंट कैन ऑल्सो बुक्स ऑफ अकाउंट बना सकते हैं ट्रायल बैलेंस लेजर्स इनकम टैक्स रिटर्न ये सारी चीजें मतलब बुक्स के रिलेटेड जो भी है काम है बुक्स बनाने का सब करने का okay, उसके लिए जो स्टैंडर्ड्स है वो है स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज रिलेटेड सर्विसेज ओके यानी वो ऑडिट रिव्यू और ऑश्योरेंस ये तीनों में नहीं आते वो रिलेटेड सर्विसेज में जाते हैं

तो फिर मुझे कौन से स्टैंडर्ड देखने पड़ेंगे मुझे स्टैंडर्ड देखने पड़ेंगे ये चार डिपेंडिंग ऑन माय वर्क ओके वन विल बी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग वन विल बी स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट वन विल बी स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस सर्विसेज एंड वन विल बी स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज मेरे ख्याल से मालिक क्लियर एंड आई डू थिंक सबको ये मालूम होगा कि अपन जो ऑफिस खोलते हैं ऑफिस 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 खोलते हैं ऑफिस खोलते हैं ओके उसको अपन बोलते हैं सीए फर्म सीए फर्म सीए फर्म सी एफ एम जिस ए, जिस भी एरिया में काम करे जिस भी एरिया में काम करे पीडब्ल्यूसी okay, so, अपने इंडियन फॉर्म भी है जो बहुत सारे फॉर्म है जीएमजे मैं बहुत जानता हूं अच्छे से गुप्ता महेश्वरी इंजन जीएमजे एंड कंपनी ये भी एक सी एफ एम है क्योंकि इनके पास मैं आर्टिकलशिप कर चुका हूं संजीव महेश्वरी एंड संजीव महेश्वरी सर एंड प्रभात महेश्वरी सर इनके पास मैं कर चुका हूं काम तो ये भी अपने ये अपनी इंडियन कंपनी है वो, वोकल फॉर लोकल मैन तोड़ मैन ओके तो नेवर बट टू द एक्सटेंड दिस इज नीड टू अंडरस्टैंड दीज आर कॉल्ड सीए एफ डिपेंडिंग ऑन सीए एफ कौन सा इंगेजमेंट लेगा उसके हिसाब से ये जो जो इंगेजमेंट इसमें से लिया जाएगा उसके हिसाब से ये लोग ओके स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे लेकिन एवरी सीए एफ जो भी इंगेजमेंट लेवे इनमें से जो भी इंगेजमेंट लेवे कंपलसरी नहीं कौन सा इंगेजमेंट आप कोई भी इंगेजमेंट लो लेकिन हर सी एफ एम को ओके okay, हर सी ए फम को फॉलो करना पड़ेगा एंड दैट इज कॉल्ड एस क्यू सी स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल इज इन ऑफ आप काम क्या करते हो आप सी एफ एम हो आर यू ए सी एफ एम

तो पांच तरह के स्टैंडर्ड्स अपने इसमें ये अपने सिलेबस में नहीं है सारे स्टैंडर्ड्स लेकिन अपने डिस्कशन में है ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बाहर का बताया मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है तो इन आवर सिलेबस बिकॉज यू आर स्टडिंग सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट कौन सा मालिक यू आर स्टडिंग ऑडिट तो आपको कौन से स्टैंडर्ड्स रहने वाले आपका standards. Standards है तो ऑडिट तो के ऊपर तो वी आरिंग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग मेजरली कवर इन अवर सिलेबस एक्चुअली बात करें तो दिस इज वॉट अवर स्ट्रक्चर इज एंड Now you can conclude one more thing. Okay, so do you think if I am following SA, अगर मैं CA chartered accountant in practice हूँ और मुझे SA follow करने हैं, क्या मेरी company, मेरी firm, CA firm को भी SQC follow करना पड़ेगा? Yes, because audit कर रहे हैं तो SQC भी आएगा, इसलिए SQC का जिक्र है। तो आपको पूरे syllabus में all thirteen chapters, जो भी तेरा chapters रहेंगे, उसके अंदर आपको SA का discussions है और SQC के discussions है। ओके मल्टीपल एसेज है ओके आई एम नॉट डिस्कसिंग एनी नंबर पहले दिन नंबर डिस्कस करेंगे तो लग जाएगी मतलब वा, वा, वाट लग जाएगी मालिक तो ऐसा डर वर लग जाएगा तो आई एम नॉट डिस्कसिंग एनी नंबर बट आई एम टेलिंग यू यू डोंट हैव ऑल एसेज इन सिलेबस सारे नंबर्स अपने इसमें नहीं है आर फिल्टर ओके कुछ नंबर दिए हुए उतने ही एसेज अपने सिलेबस में कवर्ड है ओकेज okay, अब आप समझ लीजिए अपना सीए इंटर का सिलेबस किस तरह से डिवाइडेड है ओकेज okay, मैं आपको बता रहा हूं मतलब एकदम तोड़ स्ट्रक्चर से ध्यान में रखिए ओके सीए इंटर का सिलेबस ओके एक्चुअली देखा जाए तो तीन पोर्शन में डिवाइडेड है सबसे पहला पोर्शन है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग यानी मैक्सिमम अरे वही है ना यार स्टैंडर्ड्स ही तो पढ़ने हैं कि आपने को ऑडिट कैसे करना है जैसा स्टैंडर्ड बताएगा वैसे अपने standard, जाएंगे तो अपना सिलेबस इज मेजरली स्टैंडर्ड और अगर मैं बोलू ना अपना सिलेबस अपना सिलेबस इज रिलेटेड कंप्लीटली रिलेटेड टू स्टैंडर्ड्स ओनली ये बोलना गलत नहीं होगा एट्टी परसेंट ऑफ पोर्शन स्टैंडर्ड बस खाली चैप्टर्स में डिवाइडेड है बाकी और कुछ नहीं standard, chapters, कुछ है। आप थिंगली ही पढ़ने वाले दैट्स व्हाट योर अंडरस्टैंडिंग शुड बी तो स्टैंडर्ड इज फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पोर्शन ओके विल बी रिलेटेड टू मतलब तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं कंपनी ऑडिट बैंक एंड अदर एंटिटी सर कंपनी ऑडिट बैंक एंड अदर एंटिटी अरे सर स्टैंडर्ड तो दे दिया ना सर हमको तो वैसे कोई भी ऑडिट करना है तो स्टैंडर्ड ही फॉलो करना है ना सर हमको कुछ भी ऑडिट करना है तो हमको तो स्टैंडर्ड ही फॉलो करना है अबे लॉजिक रख बे अगर मेरे को ऑडिट करना है तो वी नीड टू फॉलो स्टैंडर्ड बात खत्म आप स्टैंडर्ड फॉलो करोगे तो कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा क्योंकि क्या होगा कल कुछ भी इशूज आए तो आप बोलोगे हमने हमको जो बताया गया उस फ्रेमवर्क में हमने काम किया है हमको हमको जो बताया गया उस फ्रेमवर्क में हमने काम किया तो वी फॉलो द स्टैंडर्ड कंप्लीटली एंड दैट इज वेयर अवर डिस्कशन कम्स तो स्टैंडर्ड ही है मालिक तो अभी आपका क्वेश्चन आएगा सर स्टैंडर्ड तो पड़ी रहना सर हमको स्टैंडर्ड ही फॉलो करना है अगर हमने स्टैंडर्ड फॉलो किया तो कल क्वेश्चन नहीं उठेगा कोई एंड जब पॉइंट है कल अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन होना हुआ एक्साम्पल कुछ प्रॉब्लम आया और हम लोग प्रूव करें कि हमने जो हमको बोला गया उसी फ्रेमवर्क में काम किया है सो देर मतलब यू यू विल बी ऑन सेफर साइड बिकॉज फॉलोड हैज टोल्ड टू किया तो स्टैंडर्ड ही तो है तो सर कंपनी ऑडिट बैंक ऑडिट एंड अदर एंटिटी ओके अदर एंटिटी में मतलब कौन ओके हायर परचेज लीज फाइनेंसेस ओके भाई ये सब ये सब के ऑडिट में क्या पढ़ना है ओके okay, देखिए सेकेंड पोर्शन इज मेनलीउट प्लीज अंडर स्टैंड हंड्रेड परसेंट अपने स्टैंडर्डी फॉलो करना है अरे कंपनी में भी गए तो स्टैंडर्डी फॉलो करना है अरे रिलायंस का ऑडिट करोगे स्टैंडर्डी फॉलो करोगे बैंक में भी जाओगे स्टैंडर्डी फॉलो करने वाले हो। तो सर इस पोर्सन में है क्या इस पोर्सन में है ऑडिटर अपॉइंट कैसे किया जाएगा कौन हो सकता है ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा ऑडिटर को ऑडिटर को ऑडिट ऑडिटर का इंडिपेंडेंस याद है क्या इंडिपेंडेंस कैसे रहेगा ऑडिटर हाँ ये एक्ट बताएगा कंपनी एक्ट में बताएगा कि भाई दिस इज अ क्राइटेरिया ये 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 ऑडिटर नहीं हो सकते बाकी सब ऑडिटर हो सकता है ये कॉन्सेप्ट इस तरह से ये पॉइंट है ये चैप्टर इसलिए अपने सिलेबस में तो कंपनी ऑडिट में हम लोग क्या पढ़ेंगे कंपनी ऑडिट में ऑडिटर कौन हो सकता है ऑडिटर कौन नहीं हो सकता है उसको अपॉइंट कौन किया जाएगा कितने टाइम के लिए ऑडिटर काम करेगा कितने साल के लिए ऑडिटर रह सकता है ओके okay, उसको बीच में निकल गया तो डेथ हुआ रेजिग्नेशन हुआ ऑडिटर इसमें ऑडिटर की ड्यूटी क्या है ऑडिटर के राइट क्या है सर ऑडिटर को जो काम करना है वो वो तो स्टैंडर्ड ही है भारत माता की जय गेट द पॉइंट कम ऑन टू कम ऑन टू द पॉइंट स्टैंडर्ड ही तो करना है तेरे को बट ओके उधर अपॉइंटमेंट प्रोसीजरल टास्क सेम लॉजिक इन बैंकिंग बैंकिंग में एडिशनली क्या देखना है वो तुमको बताया जाएगा एंड अदर एंटिटी इज समराइज वर्जन एंटिटी एक्साम्पल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट ऑडिट्स में पीएसयू बोलते हैं जिसको हम लोग गवर्नमेंट कंपनी ऑडिट बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विल डिस्कस दैट वन वहां पर ऑडिटर अपॉइंट कैसे करेंगे वहां का ऑडिटर का कौन होगा क्या होगा कैग बोलते शायद सुना होगा अभी रिसेंटली पीएम केयर फंड का डिस्कशन चल रहा था और कैग ऑडिट अदर थिंग्स चल रहा था तो शायद आपने सुना हो यह वर्ड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नहीं सुना था तो आने वाला सिलेबस में बट आई एम टेलिंग यू दिस इज समथिंग विच इज डिफरेंट देर फॉर यूर सेकंड पोर्शन रिलेड टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज

पूरा सिलेबस अपना भाई बस ये तीन पोर्शन में ही तो है अरे भाई एक सिंबल से पॉइंट में बोलो ना पूरा सिलेबस स्टैंडर्स है बस स्टैंडर्ड्स के फ्रेमवर्क को अच्छे से समझना है हर चीज को अच्छे से लॉजिकली समझना है और मेरे ख्याल से अभी जो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा लिंकेज समझ में आ रहा होगा अगर आप लिंकेज देखोगे ना तो एक, -एक चीज का लिंकेज होगा ओके okay, तो so ये चैप्टर में क्या होगा ये चैप्टर में क्या होगा दिस इज वॉट ए डिस्कशन कमसेट टू पिक्चर एवरीडे क्लियर मालिक तो अगर आप अप, अपना पूरा पोर्शन ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है और अब मैं आपको एक लॉजिकली इंडेक्स में गो थ्रू करके बता दिस इज अवर इंडेक्स ये अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से मैंने निकाला हुआ है ओके okay, तो अपना इंडेक्स अभी तक मैंने बनाया नहीं क्योंकि पेज नंबर पूरे ओके okay, तो रेडी नहीं है जैसे जैसे चैप्टर्स है ओके okay, सारे सारे इंडिविजुअल पॉइंट्स पर चल रहे हैं ओके तो लॉजिकली लॉजिकलीके इंस्टीट्यूट की वेबसाइट का कंटेंट है ओके व्हाट आर द मॉड्यूल वन एंड मॉड्यूल टू इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जो अपडेटेड है मॉड्यूल वन मॉड्यूल टू अपना मॉड्यूल वन मॉड्यूल टू नहीं रहेगा अपने सारे बुक में आएगा ओके okay, तो so, सबसे पहला अगर मैं बोलू ओके okay, चैप्टर की बात करूं चैप्टर वन इज अबाउट नेचर स्कोप ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट भारत माता की जय मेरे ख्याल से अभी समझ में आ गया नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट नेचर छोड़ दो स्कोप छोड़ दो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट कुछ समझ में आ रहा है मालिक ऑब्जेक्टिव ऑडिट व्या ऑडिट टू प्रोवाइड एन ओपिनियन रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भारत माता की समझ में आया ओके दिस इज अ बेसिक चैप्टर बेसिक चैप्टर टू अंडरस्टैंड चैप्टर टू अंडरस्टैंड जहां पर अपन एकदम बेसिक पढ़ेंगे और यहां पर मेनली अपना ऐसे जो रहेगा ऐसे टू हंड्रेड का डिस्कशन आएगा 210 का आएगा और टू ट्वेंटी का आएगा तीन स्टैंडर्ड्स के डिस्कशन यहां पर आएंगे टू हंड्रेड टू टेन टू ट्वेंटी अब सर ये नंबरिंग ऊपर नीचे है क्योंकि चैप्टर्स आपके ऊपर नीचे है और नंबरिंग सिक्वेंशियली भी फॉलो नहीं करना है आपको ये याद रखना है नंबरिंग में आपको एक uh, थोड़ा लेक्चर्स होने के बाद मैं आपको एक दिन अपन सिर्फ नंबरिंग पे बात करेंगे नंबरिंग सब रट जाएंगे सब अच्छे से याद रहेंगे एस 200 हंड्रेड ऐसे का फुल फॉर्म मालिक स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 200 उसका क्या नाम है वो देखेंगे अपन जब जाएंगे स्टैंडर्ड में तब देखेंगे ए टू टेन टू ट्वेंटी ये इसमें चैप्टर में डिस्कशन है यानी दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट एस एज टू हंड्रेड टू टेन टू इसके अलावा इस चैप्टर में और बेसिक क्वेश्चन भी है यानी एक स्टैंडर्ड्स का चैप्टर है साथ में बेसिक क्वेश्चन भी है सर वॉट आर द बेसिक क्वेश्चन

दिखते ना क्या होगा माँ कसम देखते जाते क्लाइंट से मिलते हैं फिर दिखेंगे क्या होगा ऐसा नहीं होगा ना ओके okay, क्लाइंट से पहले बात करना पड़ेगा क्या भाई तू मुझे ऑडिटर अपॉइंट करता है क्लाइंट ने अपने प्रो, अपनी अपनी प्रोसीजर्स फॉलो किया क्या मुझे अपॉइंट करने के लिए ओकेज okay, अगर मीटिंग है रिजोल्यूशन कुछ करने हैं आपको कंपनी एक्ट तो ऑलरेडी पता है ये पास किए हैं क्या मेरे को अपॉइंट करने के लिए प्रोसीजर्स कुछ फॉलो करने हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो क्लाइंट अपनी जिम्मेदारी निभाएगा मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ओकेज okay, ये सब स्ट्रक्चर ओकेज okay, अपने को डेफिनेटली चैप्टर वन में क्लियर हो जाएगा चैप्टर टू ओकेज जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो जाती है ना कैसे करनी है? Okay, कैसे एक ही है, पास होना ना एवरी वन नीड टू क्लियर ना मालिक एवरी वन टू क्लियर ना एंड दैट इज वेयर योर चैप्टर टू कम्स इन टू पिक्चर स्ट्रैटेजी बनाओ प्लान करो स्ट्रैटी एंडर ऑल्सोल थ्री हंड्रेड आता है थ्री हंड्रेड आता है ऐसे थ्री हंड्रेड के साथ में टू थर्टी का जिक्र है टू थर्टी का पार्ट जिक्र है डॉक्यूमेंटेशन एंड और एक आएगा ऐसे थ्री ट्वेंटी और थ्री ट्वेंटी ओके नंबरिंग का कंफ्यूजन मत करना सर ये नंबरिंग सब बाद में याद रह जाएंगे लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि स्टैंडर्ड्स ही है दिस चैप्टर्स आर नथिंग बट स्टैंडर्ड्स ओनली तो 320 320 इज ऑल अबाउट मटेरियलिटी तो चैप्टर टू विल डिस्कस अबाउट स्ट्रेटजी कैसे बनेंगे प्लानिंग कैसे बनाएंगे सर स्ट्रेटजी और प्लानिंग में याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मटेरियलिटी बिना मटेरियलिटी के कैसे जाओगे मेरे को तो सोच के तो बताओ सोच सोच समझ के तो बताओ मटेरियलिटी का मटेरियलिटी का डिस्कशन सबसे इंपॉर्टेंट है वाली मालिक मटेरिटी भाई कौन से स्टेटमेंट ढूंढने हैं मटेरियल में स्टेटमेंट दैट इज जस्ट चैप्टर 2 तो so, चैप्टर 2 में विल बी फोकसिंग ऑन दिस थ्री स्टैंडर्ड ओके वन इज 300 300 230 टू थर्टी का पार्ट जिक्र है पूरा नहीं है टू थर्टी आगे कवर है मेनली थ्री हंड्रेड उसके बाद दिस इज अबाउट मल्टीपल स्टैंडर्ड और ये स्टैंडर्ड से भरा हुआ है लदा हुआ है बस मैं आपको बता दू यहां पर टू थर्टी एंड पांच की सीरीज है

फाइव फाइव हंड्रेड फाइव जीरो वन फाइव ओके इस सीरीज का जो प्रोसीजर है वो आगे के सब प्रोसीजर में आपको काम आएगा ओके सो विल डिस्कस इट आउट ओके सर थर्ड पॉइंट डॉक्यूमेंटेशन तो देखिए कैसे जा रहा है सीक्वेंस ऑफ चैप्टर सबसे पहले अपन समझेंगे अपना मकसद क्या है दूसरा पॉइंट अपन लॉजिकली देखेंगे अपन स्ट्रेटजी बनाएंगे प्लान करेंगे तीसरा पॉइंट प्लान और स्ट्रेटजी के हिसाब से अपन काम चालू करेंगे डॉक्यूमेंटेशन लेंगे और एविडेंस लेंगे चौथा ओके okay, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और बाप चैप्टर ओके ऐसे थ्री वन फाइव रिस्क असेसमेंट रिस्क इंटरनल कंट्रोल थ्री वन फाइव थ्री वन फाइव ओके एन एग्जांपल फॉर चैप्टर फोर्थ एस सच ओके अपन पांच दस मिनट और इसके पर डिस्कस uh, कर सकते हैं डिस्कस कर सकते हैं सर नो आई अंडरस्टूड रीजनेलोरेंस ऑप्टेन करना है okay, that financial free from material तो क्या, इसका मतलब यह होगा कि मेरे पास अगर पंद्रह क्लाइंट है पंद्रह कंपनी की ऑडिट है मेरे पास तो हर कंपनी का हंड्रेड परसेंट ऑडिट करूंगा इज इट पॉसिबल ओके इज इट पॉसिबल और रेदर देन पॉसिबल से ज्यादा पॉसिबल जाना दो इज इट फिजिबल लेट टेक एन एग्जाम्पल यू आर स्टडिंग एट पेपर आर यू स्टडिंग एट पेपर इक्वली आप क्या आटो के आटो पेपर तोड़ ऐसे ही पढ़ रहे हो जैसे पढ़ रहे हो सारे के सारे इक्वली पढ़ रहे हो सारे के सारे सारे को जैसे ही पॉइंट दे रहे हो नहीं आपको कुछ पेपर में ज्यादा डर लग रहा है उसमें आपकी पढ़ाई अलग तरह से कर रहे हो ज्यादा पढ़ते हो किसी पेपर में कम डर लग रहा है उसकी पढ़ाई आप खाली रिविजन के थ्रू करते हो किस पेपर में मॉडरेट डर लग रहा है उसकी रिविजन प्लस आप कंटेंट भी पढ़ते हो आप डिपेंड ऑन रिस्क करते हो सेम लॉजिक ऑडिटर जब ऑडिट करने जाएगा और जब ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके हाथ में रहेंगे ये ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले लीजिए मेरे पास पीएनएल बैलेंस शीट ओके नोट्स अकाउंट ऐसे एक पेपर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले लीजिए अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच के बताइए ओके अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीएनएल बैलेंस शीट और सब मिला के ओके okay, रेज्यूम करते हैं नंबर ऑफ आइटम्स है जैसे डेटर्स है कैपिटल है शेयर कैपिटल है डेटर्स है क्रेडिटर्स एन सो लाभ 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 पूरे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सारा के सारे का ऑडिट आप धपा धप दप, पूरा हंड्रेड परसेंट नहीं करोगे मालिक डूंग द ऑडिट वेयर द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट इज हाई अब स्टार्टिंग ऑडिट करने के पहले आप ऑडिट करने के पहले रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट देखना बहुत जरूरी है हमारे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट देखोगे उसके हिसाब से तो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ढूंढेंगे यानी कहां पर मटेरियल स्टेटमेंट होने के चांसेस ज्यादा है उधर ज्यादा ऑडिट करेंगे और जिधर चांसेस कम है उधर ऑडिट नहीं करेंगे ऐसा नहीं उधर कम ऑडिट करेंगे सर देखिए आप समझिए अगर मेरे पास पंद्रह क्लाइंट है पंद्रह क्लाइंट के अगर मेरे हंड्रेड परसेंट ऑडिट करना रहा तो आप प्रैक्टिकली समझो एज ए चार्टेड अकाउंटेंट मेरे पास और कितने चार्टेड अकाउंटेंट काम करने चाहिए मर जाऊंगा मैं अरे परवड़ेगा नहीं वो फीस मेरे को जमेगी नहीं वो क्लाइंट फीस नहीं देगा और साथ में बहुत सारे इश्यूज आएंगे मालिक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम यू शुड अंडरस्टैंड एंड टू ऑप्टिमाइज दिस पर्टिकुलर एलिमेंट मेरे रिसोर्स को ऑप्टिमाइज यूज करना है दस okay, आर्टिकल okay, है और दो सीए काम कर रहे हैं अब पंद्रह क्लाइंट है पंद्रह क्लाइंट को मैनेज करने के लिए दो सीए और दस आर्टिकल काफी है बस मेरे को यह समझना है कौन से क्लाइंट पे रिस्क ज्यादा है और कौन से क्लाइंट पे रिस्क कम है रिस्क मतलब क्या पहले से जजमेंट आना पहले से समझना कौन से क्लाइंट में मटेरियल मिस्टेटमेंट होने के चांसेस ज्यादा है कौन सा क्लाइंट एरर और फ्रॉड करता है सर ये कैसे समझेगा मुझे कि कौन सा क्लाइंट एरर और फ्रॉड करता है अरे चैप्टर फाइव वही, वही, वही मालिक? So, मालिक, we'll तो समझा चैप्टर वही समझाएगा चैप्टर फोर्थ का लॉजिक वही तो रहेगा मालिक चैप्टर फोर्थ का तो रहेगा मालिक सो मालिक दैट्स हाउ विल बी कंक्लूडिंग द पॉइंट तो जिधर अपने रिसोर्सेस जैसे अपने अपने जिधर जिधर जो जो एरिया में रिस्क ज्यादा होगी वो एरिया में अपने रिसोर्सेज लगाएंगे ऐसा नहीं बोल रहा कि ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन हर ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क के एरियाज डिफाइन करेंगे तो वो कैसे करते हैं क्या करते हैं किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, किससे चांसेस मालूम पड़ेंगे सर ये चैप्टर फोर्थ अपने को समझाएगा अब देखिए ना चैप्टर को कैसे जा रहे हैं सबसे पहले हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव समझेंगे सेकंड पॉइंट अंडरस्टैंड द लिंक ऑफ द चैप्टर फर्स्ट विल अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ओके इसके मकसद है एग्रीमेंट कैसे करेंगे हम लोग क्लाइंट के साथ कैसे डिस्कशन होगा जैसे क्लाइंट हाँ बोलता है उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे स्ट्रेटी बनाएंगे उसके बाद हम लोग प्लान बनाएंगे फिर मटेरियलिटी समझेंगे तीसरा हम लोग फिर डॉक्यूमेंटेशन एंड एविडेंस लेने के तरीके सोचेंगे ओके okay, लेकिन इसके साथ में सबसे पहला पॉइंट मतलब इसके साथ में अपन क्या देखेंगे जो जो एरिया में रिस्क ज्यादा है उधर अपन काम ज्यादा करेंगे जो जो एरिया में रिस्क कम है उधर काम कम करेंगे एंड सो ऑन द सेम लॉजिक विच आई टोल्ड यू ओके लिए आप समझिए ओके वेन यू स्टार्ट स्टडिंग जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हो उसमें आप ज्यादा पढ़ाई करते हो जिस सब्जेक्ट में कम आप तोड़ हो उसमें आप कम पढ़ाई करते हो आप जितनी बार पढ़ लोगे वो तोड़ हो जाता है चैप्टर फोर्थ अपने को समझेगा दैट इज ऐसे थ्री वन फाइव अब देखोगे ऐसे के नंबरिंग की पूरी ध्जिया उड़ चुकी है अरे यार पहले अपन ने 200 210 220 पढ़ा उसके बाद हालां 300 230 320 अरे ये सब नंबर का आप इशू मत लीजिए सब नंबर रटा दूंगा एट लेटेस्ट आई टोल्ड यू लेटेस्ट स्टेज में आप सब नंबर पूरे रट जाओगे बहुत अच्छे से हो जाएगा डोंट वरी अबाउट द नंबर नंबर के सीक्वेंस में आपको मतलब उसका कोई कॉन्सेप्ट शॉर्टकट मत बनाने की कोशिश मत करो यार

ओके okay, यानी अगर आप देखोगे अभी तक आप खाली चैप्टर फाइव तक ऐसे 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 ही पढ़ रहे हो चैप्टर सिक्स इफ रिमेंबर दिस इज समथिंग विच इज अ सेपरेट कॉन्सेप्ट ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट ये ना ऐसे ऐसे कोई लेना देना है ना कुछ कॉन्सेप्ट है ये कोई भी ऐसे फॉलो करो लेकिन अगर टेक्नोलॉजी रही और टेक्नोलॉजी का यूसेज रहा तो वहां पर कैसे करोगे आप अरे यार मतलब एट द एंड ऑफ द डे आप पहला पॉइंट आप बेसिक पॉइंट देखिए ना मालिक आप लॉजिक ये समझिए अगर मैं क्लाइंट के पास जाता हूं और क्लाइंट को बोलता हूं पीन बैलेंस शीट क्लाइंट बोलता है बैलेंस बैलेंस शीट शीट ये ले, मैं बैलेंस शीट मैं ऑडिट कर लेता हूं मैं खुश हो जाता हूं ओके okay, और मैं बोलता हूं सही है सब कुछ सही है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जिस बंदे ने एंटर किया था ये डेटा क्या वो वापस मॉडिफाई नहीं कर सकता सिस्टम में सॉफ्टवेयर में ओके okay, आप इमेजिन करिए दिस इज वेयर आईटी आईटी कम्स इनटू पिक्चर एंड देयर द चैप्टर 6 कम्स इनटू पिक्चर दैट इज कॉल्ड ऑडिट इन ऑटोमेटेड एवरमेंट बहुत अच्छे से सिलेबस ड्राफ्टेड है एसेज का लिंक है बस खाली इतना कि रेदर देन एसेज दे आर डिस्कसिंग विद चैप्टर्स तो चैप्टर ऑडिट इन ऑडिट एनवायरनमेंट ओके उसके बाद ए सैंपलिंग एंड एनालिटिकल प्रोसीजर चैप्टर सेवेंथ एंड चैप्टर एट ये है आपका एसए 500 की सीरीज का एक हिस्सा 530 और ये है आपका एसए 520 मैंने आपको क्या बताया जिधर रिस्क ज्यादा है उधर आप ज्यादा काम करोगे जिधर रिस्क कम है उधर कम करोगे रिस्क नहीं है उधर आप काम नहीं करोगे तो टेस्ट और हंड्रेड परसेंट ट्रांजेक्शन अरे भाई मेरे भाई आप समझिए आप मैनेजमेंट नहीं हो आप ऑडिटर हो आप एग्जामिनेशन करने आए हो काम करने वाला मैनेजमेंट है अगर आपने ही हंड्रेड परसेंट कर लिया तो आप मैनेजमेंट बन जाओगे ना मालिक

analytical procedure I don't know I mean if you are aware about analytical procedure but this is always a concept like trend analysis concept usme apan comparison karte हैं शायद आपने सुना हो ऐसा example इसका example ऐसा मैं दे सकता हूँ example uh, analytical procedure के लिए एक ऐसा दे सकता हूँ मैं आपको okay मेरे ख्याल से इस तरह से अपन का सकते हैं okay assume करते हैं sixth में seventh में eight में नहीं है standard sixth standard में seventh standard में eighth standard में ninth standard में ओके okay, मुझे एवरेज मतलब यहां पर मुझे 50 परसेंट मिले ओके okay, सेवन में 52 परसेंट मिले एट में मुझे 53 मिले नाइन्थ में मुझे 51 मिले ओके okay, यानी 50 परसेंट सिक्स में मुझे 50 परसेंट मिले सेवंथ में मुझे 52 परसेंट मिले एट में मुझे 53 परसेंट मिले नाइन्थ में मुझे 51 परसेंट मिले तो अब आपके हिसाब से क्या लगता है टेंथ में मुझे कितने मिलने चाहिए टेंथ में तो टेंथ में आपका कैलकुलेशन अंदाजन होगा फिफ्टी से लेकर फिफ्टी तक मैं लैंड करूंगा यही कॉन्सेप्ट आपका रहेगा मालिक क्योंकि आपने इस बेसिस पे जजमेंट लगाया और यहां पर आए अब प्रैक्टिकली समझिए पॉइंट को अगर मेरे को 53 परसेंट मिले नो बड़ी बिल क्वेश्चन ओके यार 53 मिले इतना ही मिलना था अमित तो वैसे ही है 53 परसेंट वाला आदमी है लेकिन अगर इधर मेरे को 92 परसेंट मिलते मा कसम ये रेंज होना चाहिए था 92 अरे भाई अमित कोचिंग किधर किया तूने क्या चेंज हुआ होता था ना यही पॉइंट है दिस इज वॉट वी कॉल्ड एनालिटिकल प्रोसीजर हम लोग बेस्ड ऑन पास्ट हम लोग बेस्ड ऑन पास्ट कुछ एक्सपेक्टेशन क्रिएट करेंगे हम लोग बेस्ड ऑन पास्ट फिगर्स कुछ एक्सपेक्टेशन क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम एक्चुअल से कंपेयर करेंगे एक्चुअल से कंपेयर करेंगे और अगर एक्चुअल और हमने जो एक्सपेक्टेशन क्रिएट किया है उसमें कुछ डिफरेंस आया और वो अनयूजल डिफरेंस आया तो हम फिर पता करेंगे ना क्यों इतना अनयूजल क्यों हुआ भाई कुछ तो हुआ ना इस तरह से यह अपना एनालिसिस है इसको और अभी अभी, अभी अपने ऑडिटिंग के एग्जांपल में लेते हैं एग्जांपल रेंट हमेशा मेरा मेरा रेंट क्या है ओके दो तीन साल पहले मैं रेंट पे लिया हुआ एक जगह रेंट एक लाख रुपया है उसके बाद एक लाख बीस हजार है उसके बाद एक लाख चालीस हजार है अब मेरे को बताओ इसके हिसाब से आपको क्या लगता है इस साल का रेंट कितना होना चाहिए एक लाख एक लाख बीस हजार एक लाख चालीस हजार इतना मेरा रेंट लास्ट तीन साल का है आपके हिसाब से इस साल में अमित कितना रेंट देना चाहिए तो आपके हिसाब से अंदाजन एक लाख लाख सिक्सटी थाउजेंड से लेकर वन लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड तक रेंज में यह रहेगा बोला वन से वन लाख सिक्सटी टू थाउजेंड कोई दिक्कत नहीं

एनवायरमेंट चैप्टर सेवन चैप्टर एट अगेन स्टैंडर्ड फाइव ट्वेंटी फाइव थर्टी इज एनालिटिकल प्रोसीजर एंड ऑडिट सैम्पलिंग दैट्स इट ये चैप्टर है ओके okay, ये होने के बाद अपने पास आता है मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है ओके okay, मेरे ख्याल से उसके बाद आता है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिस इज नथिंग बट ओके दिस इज नथिंग बट ओके ये वाला इज चैप्टर स्टैंडर्ड 500 का एक्सटेंशन है यानी यहां पर अपन कॉन्सेप्ट जब समझेंगे ओके okay, चैप्टर थ्री में कॉन्सेप्ट समझेंगे चैप्टर नाइन में okay, वो हर एक आइटम के लिए दिया होगा

करना और वाउचिंग करना वेरिफिकेशन एंड वाउचिंग तो ये दो वर्ड ओके आपको इस चैप्टर के अंदर आपको मिलने वाले चैप्टर नाइन्थ में वेरिफिकेशन एंड वाउचिंग दिस आर द टू विल बी गेटिंग इन वेरिफिकेशन एंड वाउचिंग मालिक उसके बाद आता है अपना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कंपनी ऑडिट कंपनी ऑडिट में अपन क्या पढ़ेंगे कंपनी कंपनी एक्ट एक्ट के सिनारियो में हम लोग देखेंगे और एक साथ में कारो करके आता है अपडेटेड रिवाइज कारो रिपोर्ट कंपनीज ऑडिटर्स कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर ओके सर्टन थिंग्स गवर्नमेंट भी बोलती है हमको चाहिए तो कारो रिपोर्ट एज पर रिक्वायरमेंट ओके वो दी हुई है तो ये सीजी डिफाइन करता है कार रिपोर्ट में क्या आना चाहिए तो यहाँ पर चैप्टर टेंथ इज कवरिंग टू थिंग्स कंपनी ऑडिट कंपनी एक्ट के ऑडिट एंड कार रिपोर्ट सर इसके अंदर कंपनी एक्ट के अंदर अपने को क्या पढ़ना होगा ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कंपनी एक्ट के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे ऑडिटर अपॉइंट कैसे किया जाएगा ऑडिटर का टर्मिनेशन कैसे होगा अपॉइंटमेंट कितने टर्म के लिए होगा कैसे होगा क्या होगा प्रोसीजरल टास्क है ये चैप्टर पूरा प्रोसीजर है अगेन ए बिग चैप्टर ओके अच्छा खासा चैप्टर है फिर आता है चैप्टर इलेवेंथ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और यहां पर अपन ऐसे सेवन हंड्रेड की सीरीज पढ़ेंगे सात सौ सात सौ एक सात सौ पांच सात सौ छ और सात सौ दस आप यही बोलोगे नंबर ऐसे क्यों है तो भाई इसके ऊपर मैं भी आंसर नहीं दे सकता ओके आपको इंस्टीट्यूट से ही पता करना पड़ेगा ओके और जिस दिन आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए इतने नंबर के आड़े तेडे गैप क्यों है सीधा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्यों नहीं किया तो ये ये पॉइंट जब आपको समझेगा तो आप मेरे को बता देना ऐसा क्यों हुआ है बट नेवरलेस ऐसा कुछ है नहीं आपको सिक्वेंशली कुछ करना नहीं है आपको नंबर याद रखने नंबर बाद में होंगे ऑडिट रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके मेरे को बताइए वट वाज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑन ऑडिट आज अपने लेक्चर में डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव ऑफ़ ऑडिट दो है सबसे पहले टू ऑबेन ऑडिट इविडेंट टू प्रोवाइड मिसस्टेटमेंट एंड दो तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरह के ऑब्जेक्टिव मतलब दो तरह के आउटकम हो सकते हैं या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं या तो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं हो सकते इन दोनों केसेस में रिपोर्ट कैसे होगी इसीलिए 700 के बाद 705 मॉडिफिकेशंस कैसे होते हैं क्या है क्या नहीं है

ओके नॉन इेशन हॉस्पिटल थिएटर का ऑडिट कैसे करेंगे हायर ऑडिट कैसे करेंगे chapters, ये दो चैप्टर्स में okay, सिर्फ टेक्स्ट बुक के नोट्स का डिस्कशन करेंगे इसमें कुछ और एडिशनल डिस्कशन करने वाला पॉइंट नहीं रहेगा तो इसमें अपने टेक्स्ट बुक के नोट्स ओके okay, दो टेक्स्ट बुक के नोट्स में जो दिया है उसी को अपने को वैसे के वैसे रखना होगा

तो सबसे पहले हमेशा अपन मतलब एनी वे विल बी स्टार्टिंग में चैप्टर वन ओनली ओके टुमारो विल बी स्टार्टिंग में फ्लो क्या रहेगा कैसे क्या रहेगा चैप्टर वन को कैसे क्या करना है तो okay, so okay, so uh, ये सारे चैप्टर्स है, okay, so chapters है, chapters के है के नंबर है वापस मैं बोल रहा हूँ और वापस मैं आपको समझा ये पूरा ऑडिट सिलेबस बुनिया, तीन ही चीजों पर तीन बुनियाद है तीन पिलर है वन कंपनी बैंक अदर एंड वन इज आई टी ओके ये तीन चीजों को आपने सही कर लिया स्टैंडर्ड एक्चुअली मैं बोल रहा हूं सही में बोल रहा हूं okay, अगर आप स्टैंडर्ड के थ्रू पढ़ते तो बहुत आसान हो जाता है बट लेकिन अपन वैसे ही जाएंगे जैसा आपका सिलेबस है तो स्टैंडर्ड के थ्रू अपन उसके अंदर स्टैंडर्ड के थ्रू पढ़ेंगे और लास्ट में जब पूरा होगा तो स्टैंडर्ड का लिंकेज होगा बट येस yes, एक चीज मैं क्लियर कर दू आई विल नॉट बी गोइंग विद हैज वज गिवन हियर

ओके बट चैप्टर थ्री एल नॉट बी कंप्लीटिंग पूरा सम पोर्शन ऑफ चैप्टर थ्री एंड वंस दैट इज डन चैप्टर थ्री और चैप्टर फोर्थ सर्टन थिंग्स वो कंप्लीट करेंगे चैप्टर थ्री एंड चैप्टर फोर्थ और उसके बाद आप जो चैप्टर चाहिए वो चैप्टर सीक्वेंस में फॉलो कर सकते हो Initially, आपको चार चैप्टर को सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी है तो चैप्टर वन अपना चालू होगा फिर चैप्टर इलेवन अपना चालू होगा चैप्टर थ्री करेंगे और उसके बाद चैप्टर फोर्थ करेंगे ये होगा लेकिन चैप्टर का एक ही concept अपन पढ़ेंगे पर चैप्टर थ्री पूरा चालू नहीं करेंगे चैप्टर पर करेंगे फिर उसके बाद बैलेंस चैप्टर थ्री करेंगे इस तरह से मर्ज होगा तो चैप्टर थ्री एंड चैप्टर फोर्थ अपन आ, साथ साथ में करेंगे जैसे ही चैप्टर थ्री चैप्टर होता है उसके बाद चैप्टर टू फाइव आपकी जो मर्जी वो चैप्टर ले सकते हैं इज नो कंपल्शन लेकिन ये पहले चार का कॉन्सेप्ट सीक्वेंशली समझे तो काम खत्म होता भाई एवरीबडी क्लियर ओके दैट्स वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड तो टेक केयर मालिक ऑल द बेस्ट होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा स्ट्रक्चर लगा होगा आप बताओ कुछ भी पॉइंट रहा तो मेरे को बताइए मालिक तोड़ टेक केयर मालिक